की जाति का लाल, जंगल का दुलाल। मेरा भाई मेरा यार, गोंड का अहंकार, कुमुरम भीम। क्या ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। एक समय ऐसा हुआ करता था जब किसी भी फिल्म के सक्सेसफुल होने का मापदंड उसका 100 करोड़ क्लब में शामिल होना। हर एक्टर की ये इच्छा होती है कि उसकी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो, लेकिन देखते ही देखते वक्त कितना बदल गया है। जहां 10 साल पहले 100 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा माना जाता था, वो अब एक आम बात बनती नजर आ रही है। SS राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर को ही ले लीजिए। फिल्म ने कुल 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। ट्रिपल आर की कमाई के अब नए आंकड़े सामने आए। पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर साउथ फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा। साउथ मूवीज रिलीज हो रही है और जबरदस्त कमाई भी कर रही है। पहले पुष्पा का कहर देखने को मिला और अब SS राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजामौली की इस फिल्म ने उनकी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ट्रिपल आर मूवी 1000 करोड़ की कमाई करने वाली देश की तीसरी मूवी बन गई है। फिल्म रिलीज के 16वें दिन SS राजामौली की ट्रिपल आर ने दमदार कमाई कर अपने आप को बुलंदी के उस शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में बौनी नजर आने लगी है। फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े शेयर किए हैं विजय बालन ने। उनके मुताबिक इस मूवी ने 16वें दिन दुनिया भर में 1000 करोड़ की कमाई के जादुई आंकड़े को छुआ है। इससे पहले सिर्फ प्रभास की बाहुबली 2 और आमिर खान की दंगल ही इस मुकाम तक पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले समय में ये मूवी देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाती है या नहीं। दरअसल इस समय कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक भी दर्शकों को ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई है। धीरे धीरे अनुपम खेर की कश्मीर फाइल भी ऑडियंस को कम भा रही है। ऐसे में ट्रिपल आर फिल्म के लिए देश में और ज्यादा कमाई करने का मौका मिला है। परंतु कुछ समय बाद KGF 2 रिलीज होगी, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये फिल्म भी 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। अगर फिल्म की बात करें तो इसका निर्देशन SS राजामौली ने किया है। राजामौली बड़े बजट की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते। इस मूवी का बजट भी करीब 550 करोड़ का है, लेकिन फिल्म को तो पूरा पैसा वसूल करके दोगुनी कमाई की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसमें जूनियर NTR और रामचरण लीड रोल में है। इसके अलावा मूवी में आलिया भट्ट, अजय देवगन, ओलिविया मॉरिस, श्रिया शरण समेत और स्टार भी शामिल हैं। अब देखते हैं क्या ये फिल्म 2000 करोड़ी फिल्म बनेगी। जल जंगल जमीन का नारा सबसे पहले किसने दिया? कोमाराम भीम की असली कहानी क्या है? ट्रिपल आर मूवी में जूनियर NTR के धांसू लुक की खास बातें क्या है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR की नई फिल्म आ रही है, नाम है ट्रिपल आर। फिल्म को बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में जूनियर NTR का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। उन्होंने कोमाराम भीम का किरदार निभाया है। यह मूवी एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के युवा दिनों पर फिक्शन स्टोरी होगी। इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट अभी भी। जल जंगल जमीन का नारा सबसे पहले कोमाराम भीम ने 1940 में दिया था। निजाम के विरुद्ध उनके आंदोलन में उन्होंने तर्क दिया कि आदिवासियों को जंगल के सभी संसाधनों पर पूर्ण अधिकार कर दिया जाना चाहिए। कोमाराम भीम गोंड समाज से थे। उनका जन्म संकेपल्ली आदिलाबाद में 19वीं ईस्वी में हुआ था। आदिलाबाद जिला तेलंगाना की उत्तर दिशा में है और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। ये जगह गोंड समाज की महान नायिका जंगो रायतार का जन्म स्थल भी है, जहां से उन्होंने कोई तूर समाज की रूढ़िवादी कृतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और रायतार नाम से प्रसिद्धि हुई। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गोंड समाज बसा हुआ है और ये पहले चंदा और बल्लालपुर के गोंड साम्राज्य के समृद्ध के अधीन था। भीम का बचपन बाहरी दुनिया से परे बीता। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की और अपने समाज की कठिनाइयों और अनुभवों को देखते हुए बड़े हुए।
भीम जंगलात, पुलिस, व्यवसायियों और जमींदारों द्वारा गोंड और कोलाम आदिवासियों पर हो रहे शोषण को देखते हुए बड़े हुए। जीवन यापन के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते और इस तरह खुद को व्यापारियों और अधिकारियों के शोषण और जबरन वसूली से भी खुद को बचाते। पोडू खेती की फसल को निजाम के अधिकारी ले जाया करते थे और तर्क देते थे कि ये जमीन उनकी है। अवैध रूप से पेड़ों को काटने के इल्जाम में वे आदिवासी बच्चों की उंगलियां तक काट देते थे। टैक्स की जबरन वसूली की जाती थी, अन्यथा फर्जी मुकदमे दायर कर दिए जाते थे। खेती के बाद हाथ में कुछ भी नहीं बचने पर लोग गांव से पलायन करने लगे। इन परिस्थितियों में आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ने के कारण फॉरेस्ट अधिकारियों ने भीम के पिता की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या के बाद भीम क्रोधित हुए और इसके बाद उनका परिवार संकेपल्ली से सरदारपुर चला गया। 1940 में अक्टूबर के महीने की बात है, एक दिन पटवारी लक्ष्मण राव निजाम पट्टादार सिद्दीकी अन्य 10 लोगों के साथ गांव में आए और लोगों को गालियां देने लगी। वह खेती के बाद जबरन टैक्स वसूली के लिए परेशान करने लगे। लोगों ने इसका विरोध किया और इस संघर्ष में कोमराम भीम के हाथों सिद्दीकी की मौत हो गई। इस घटना के बाद भीम अपने साथी कोंडल के साथ पैदल चलते हुए चंद्रपुर चले गए। वहां एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बिटोवा ने उनकी मदद की और दोनों को अपने साथ ले गए। बिटोवा उस समय निजाम और अंग्रेज के खिलाफ एक पत्रिका चला रहे थे। बिटोवा के साथ रहकर भीम ने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सीखी। कुछ समय बाद पुलिस ने बिटोवा को गिरफ्तार कर लिया और प्रेस को बंद कर दिया। उसके बाद भीम मंचरियल रेलवे स्टेशन में मिले एक युवक के साथ चाय बगान में काम करने के लिए आसाम चले गए। वहां उन्होंने 4.5 वर्षों तक काम किया और कार्यरत होते हुए चाय बगान के मजदूरों के अधिकारों के लिए मालिकों के खिलाफ विरोध भी किया। इस संघर्ष के दौरान भीम गिरफ्तार कर लिए गए। 4 दिनों के बाद वे जेल से निकलने में कामयाब हुए और मालगाड़ी में सवार होकर बल्लार शाह स्टेशन पहुंचे। आसाम में रहने के दौरान उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में सुना था, जो कि आदिवासियों के संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने रामजी गोंड से भी आदर्श लिया, जिन्होंने आदिलाबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। लौटने के बाद उन्होंने आदिवासियों के भविष्य के संघर्ष की योजना बनानी और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। ट्रिपल आर में भीम की यही कहानी दिखाई जाएगी। अब ये देखना है कि एसएस राजामौली भीम को अपनी फिल्म में किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तूफानी समुन्दर जिसके आगे खामोश हो जाए, हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, लहराते झंडे पर है जिसको नाच, बाहों में ताकत आंखें जैसी बाज, धरती की छाती का लाल जंगल का दुलाल, मेरा भाई मेरा यार गोंड का अहंकार कोमाराम भीम। हालांकि इस वॉइस ओवर में हल्का साउथ इंडियन टच आता है, लेकिन जिसने ये लाइन लिखी है बहुत अच्छी है और वो दिल को छू जाती है। लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी। बाहुबली फिल्म एसएस राजामौली की ट्रिपल आर ये बड़े बजट में बनने वाली पीरियड ड्रामा फिल्म है। कहानी होगी आंध्र प्रदेश के दो क्रांतिकारियों की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अजय भी कोई असली कैरेक्टर ही प्ले करेंगे। अब इस मामले पर कुछ रिपोर्ट्स आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल आर में अजय सरदार भगत सिंह के रोल में दिखाई देंगे। यही वो किरदार होगा जो सीताराम राजू और कोमाराम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करेगा। इस फिल्म की कहानी तो रियल लोगों से प्रेरित, लेकिन कहने के तरीके में थोड़ा मिलावट रहेगी। खबरों की माने तो उन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी बिल्कुल रियल न रखते हुए थोड़ा फिक्शन रखा जाएगा। सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले में पौंड्रिक गाँव में हुआ। उनके पिता अलोरी वेंकट राम राजू ने बचपन से ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया और ये हमारे देश को लूट रहे हैं। सीताराम राजू के जहन में पिता की ये बातें घर कर गई। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया दौरा का नाम भी आता है, जिनका अपना वनवासी संगठन था। इस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज बिरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत बलशाली हो चुका। पुलिस राजू से थरथर कांपती थी। वो ब्रिटिश सत्ता को
खुलेआम चुनौती देता था। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण ये भी था कि बनवासी अपने नेता को धोखा देना, उनके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी समान व्यक्ति मुखबिर या गद्दार नहीं बना। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय के बाद सीताराम राजू ने गांधी जी के विचारों को त्याग दिया और सैन्य संगठन की स्थापना की। उन्हें संपूर्ण रंपा क्षेत्र को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना लिया। मालाबार को पर्वतीय क्षेत्र छापामार युद्ध के लिए अनुकूल था। इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों का पूरा सहयोग भी उन्हें मिल रहा था। आंदोलन के लिए प्राण तक न्यौछावर करने वाले लोग उनके साथ, इसीलिए आंदोलन को गति देने के लिए गुदेम में गांव मल्लू डोरे और गांव गौतम डेरे बंधुओं को लेफ्टिनेंट बनाया। आंदोलन को और तेज करने के लिए उन्हें आधुनिक शस्त्र की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सैनिकों के सामने धनुष बाण लेकर अधिक देर तक टिके रहना आसान नहीं था। इस बात को सीताराम राजू भलीभांति समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने डाका डालना शुरू किया। इससे मिलने वाले धन से शस्त्रों को खरीद परोख करने लगे और उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमला करना शुरू किया। 22 अगस्त 1922 को उन्होंने पहला हमला चिंतापल्ली में किया। अपने 300 सैनिकों के साथ शस्त्रों को लूटा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी। जब आग और पानी एक होते हैं तो क्या होता है? अजय देवगन ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए क्या कहा? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अजय देवगन, आलिया भट्ट, एनटी रामा राव और रामचरण स्टारर RRR का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचाकर रख दिया है। इस पोस्टर ने रिलीज के साथ ही वो दौर याद दिला दिया जब बाहुबली का क्रेज हुआ करता था। इस पोस्टर के जरिए फिल्म निर्माता ने आग और पानी की शक्ति को दर्शाने की कोशिश की है। RRR के पोस्टर को खुद अजय देवगन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही लोग इस पोस्टर की जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। पोस्टर के रिलीज होते ही फैंस में RRR को लेकर एक्साइटमेंट देखने को मिली। साथ ही साथ इस मोशन पोस्टर ने रिलीज के साथ ही दर्शकों के दिलों में एक सवाल भी खड़ा कर दिया कि आग और पानी जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? आपको बता दें कि जब विपक्षी ताकतें यानी कि ऑपोजिट एनर्जी, जैसे पानी और आग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक साथ आते हैं तो तीव्र ऊर्जा बनती है जो आपके पास होगी। साथ ही साथ RRR की फुल फॉर्म भी रिवील कर दी गई है, राइज रिवॉल्ट रॉर। जैसा कि बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो उम्मीदें तो काफी ज्यादा हैं और अब इस पोस्टर ने रिलीज होकर तो उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। वेल, सब एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर कि कब ये फिल्म रिलीज होगी और हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार फिल्म का बजट भी करीब 350 करोड़ बताया गया है। यानी जितने बजट में बाहुबली के दोनों पार्ट बन गए थे, उतने बजट में ये सिंगल फिल्म RRR बनाई जा रही है। जाहिर सी बात है, एक्शन, VFX, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ तबाही मचाने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ इसमें साउथ के सुपरस्टार एंटी रामा राव और रामचरण काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारे बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन और आलिया भट्ट भी किरदार निभाने वाली हैं। फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर आधारित होगी जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म के जरिए आलिया भट्ट पहली बार तेलुगु फिल्मों में काम करती नजर आएंगी। तो वहीं अजय देवगन की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म सूर्यवंशी में भी नजर आने वाले हैं, जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और दर्शकों को उनकी एंट्री बेहद पसंद आई है, जिसे देखने के लिए वो फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं अजय देवगन की आने वाली फिल्मों को लेकर? क्योंकि जब से तानाजी फिल्म रिलीज हुई है, दर्शक उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक तरह से वो सिनेमा के उभरते सितारे के रूप में नजर आए हैं। वैसे तो वो है ही बेहतरीन एक्टर, लेकिन फिर भी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। बाहुबली वाले डायरेक्टर ने तो वर्क फ्रॉम होम से ही गदर कैसे मचा दिया। 400 करोड़ी इस फिल्म को अजय देवगन ने अपने YouTube चैनल पर क्यों रिलीज किया? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में।
बाहुबली वाले फिल्म मेकर एस एस राजामौली की एक और बिग बजट वाली फिल्म आ रही है। अभी हाल ही में बताया गया कि फिल्म का हिंदी टाइटल जो कि इंग्लिश में होगा राइज रोवर रिवोल्ट यानी कि ट्रिपल आर। वही ट्रिपल आर को तेलुगु में इसे रौद्रम रणम रुद्रम नाम से जाना जाएगा। 25 मार्च को वर्क फ्रॉम होम करके प्रोडक्शन टीम ने फिल्म का लोगो और मोशन पोस्टर लॉन्च किया था। इसके ठीक दो दिन बाद यानी 27 मार्च को उनकी फिल्म के हीरो रामचरण का बर्थडे होता है। इस मौके पर फिल्म से पहला वीडियो क्लिप लॉन्च किया गया है। इस क्लिप में हमें दिखाई दे रहे हैं रामचरण जो कि फिल्म में फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू का रोल कर रहे हैं और उन्हें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उनके को स्टार जूनियर NTR जिनका किरदार होगा स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम का। ये आज इसलिए है क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर रामचरण को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हैं। बेसिकली इस वीडियो में राम अपनी कलाबाजियां दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे हाथ में मसाल लेकर दौड़ना, डंडे घुमाना, सैंड बैग पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करना, तीरंदाजी से लेकर बंदूकबाजी तक, और वो सब कर रहे हैं नंगे बदन, मतलब पैंट तो पहने हुए है लेकिन अपनी चीजल्ड बॉडी दिखाने के लिए वो ये सारे काम शर्टलेस होकर कर रहे हैं। बैकड्रॉप में NTR की आवाज चल रही है जो इस किरदार का महिमा मंडन कर रही है। हमारे बताने से नहीं समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को खुद ही देख लीजिए। ये वीडियो अजय देवगन के YouTube चैनल पर इसलिए है क्योंकि अजय भी इस फिल्म का हिस्सा है। ये कहानी है उन्हीं दो क्रांतिकारियों की जिनका नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया है, सीताराम राजू और कोमाराम भीम, जो कि अंग्रेजी हुकूमत और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहानी घटती है 1920 के आसपास, लेकिन ये उन क्रांतिकारियों की बिल्कुल रियल स्टोरी नहीं होगी। इसमें सुविधा अनुसार बहुत सारी चीजें जोड़ी घटाई जाएंगी ताकि ये कहानी सिनेमा बन सके। फिल्म का टाइटल, लोगो और मोशन पोस्टर देखकर ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म बाहुबली से भी बड़ी फिल्म होगी। खबरों के मुताबिक इस फिल्म में अजय देवगन भगत सिंह का रोल करेंगे और वो ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म का बजट 350 से 400 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। वहीं फिल्म में आलिया के किरदार का नाम सीता बताया जा रहा है। पिछले दिनों आई कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि आलिया भट्ट ने ट्रिपल आर छोड़ दी है, वजह शूटिंग में कोरोना की वजह से होने वाली देरी। हालांकि फिल्म की टीम ने इस बात को कंफर्म किया, ऐसा कुछ नहीं है, आलिया फिल्म का हिस्सा है और वो अपने हिस्से की शूटिंग कोरोना के निपटते ही निपटाएंगी। ट्रिपल आर की शूटिंग 19 नवंबर 2018 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। तैयारी ये थी कि शूटिंग का काम मार्च 2020 तक खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर शुरुआती प्लानिंग के हिसाब से बात करें तो ट्रिपल आर जुलाई 2020 में रिलीज के शेड्यूल थी, लेकिन फिल्म के मोशन पोस्टर में नई रिलीज डेट 8 जनवरी 2021 बताई जा रही है। रौद्रम रणम रुद्रम को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। ऑडियंस के क्रेज को देखकर कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आराम से 2000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। टार का टीजर और मोशन पोस्टर की खास बातें क्या है? इस मोशन पोस्टर का बाहुबली से क्या कनेक्शन है? SS राजामौली किसके डर से ट्रिपल आर की रिलीज डेट चेंज कर रहे हैं? क्या इस फिल्म की कहानी चे ग्वेरा की मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। धमाकेदार निर्देशक SS राजामौली, जिन्होंने बाहुबली जैसी धमाकेदार फिल्में बनाई, उनकी नई फिल्म आ रही है ट्रिपल आर, जिसका मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जो काफी ज्यादा दमदार लग रहा है। इस फिल्म में क्या होने वाला है और ये कितनी बेहतरीन होगी, इसका अंदाजा इसी मोशन पोस्टर से लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इस पोस्टर को साझा करते हुए तीनों आर का मतलब भी समझाया गया है। जी हाँ, राइज रिवॉल्ट रॉर। अब इससे इतना तो तय है कि उदय, विद्रोह और दहाड़ का ये नजारा वाकई शानदार होने वाला है। जब आपने ये मोशन पोस्टर देखा होगा तो क्या आपने गौर किया कि
जो इसमें म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं हमें बाहुबली की याद दिला देता है, उस दौर की याद दिला देता है जब लोग बाहुबली के लिए पागल हुआ करते थे। लगता है अब ट्रिपल आर के जरिए फिर से एसएस राजामौली लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने को एकदम तैयार खड़े हैं। साथ ही साथ एक और चीज है जो गौर करने वाली है। इस मोशन पोस्टर में दिखाया जाता है कि एक तरफ आग है तो एक तरफ पानी, और उन दोनों को मिलाने का काम करेंगे फिल्म में अजय देवगन। जी हाँ, तो ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा कि अजय देवगन, रामचरण और जूनियर एनटीआर की तिगड़ी इस बार क्या धमाल करने वाली है। दोस्तों, फिल्म बाहुबली के निर्देशक एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर कई कारणों से चर्चाओं में बनी हुई है। इस पीरियड एक्शन फिल्म में जहां अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे सितारे काम कर रहे हैं, तो दूसरी ही ओर फिल्म में रामचरण और एनटी रामा राव जैसे बड़े सितारे भी नजर आएंगे, जिनकी वजह से ये फिल्म काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई है। तो दूसरा रीजन है इसकी रिलीज डेट। जी हाँ, पहले ये फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज होनी थी, लेकिन रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा के साथ क्लैश के चलते फिल्म की रिलीज डेट को खिसका दिया गया, जिसके बाद कुछ अफवाहें ऐसी भी सुनाई दी कि ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। हालांकि इस दिन जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2, फरहान अख्तर की तूफान और विकी कौशल की उधम सिंह रिलीज होने वाली है। यही कारण है कि ट्रिपल आर के 2 अक्टूबर को रिलीज होने की खबर भी कोरी अफवाह साबित हुई। वहीं फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये फिल्म 8 जनवरी 2021 को रिलीज होने जा रही है। साथ ही पोस्ट में लिखा है कि आपके प्यार और सपोर्ट के चलते हम आपको एक बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव देना चाहते हैं। हम इस फिल्म को विश्व स्तर पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही कारण है कि हमें इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा है। हम जानते हैं कि ये काफी लंबा समय है, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे। वहीं दोस्तों, ट्रिपल आर का बजट भी काफी हैरतअंगेज बताया गया है। माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 350 से 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इस फिल्म की कहानी चे ग्वेरा की मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर बताई गई है। गौरतलब है कि ये फिल्म नवंबर 2018 में फ्लोर्स पर गई थी। ये फिल्म भारत की आजादी से पहले के दौर की है, जिसमें दो रियल लाइफ हीरोज की काल्पनिक कहानी को दिखाया गया। माना जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के लिए 2 साल रिसर्च की थी। तो ये पहली बार नहीं है कि एसएस राजामौली कोई ऐतिहासिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बेहतरीन फिल्में वो हमें दे चुके हैं, और इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी और पूरे विश्व भर में शानदार कलेक्शन किया। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रिपल आर भी बाहुबली और बाहुबली 2 की तरह विश्व भर में नाम कमा पाएगी? आपको ये मोशन पोस्टर कैसा लगा और आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाहुबली वाले राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर में कैसे टकराएंगे आग और पानी? ट्रिपल आर के मोशन पोस्टर से कैसे पता चल गया कि अजय देवगन का रोल क्या है? ट्रिपल आर कैसे बनने जा रही है बाहुबली से भी बड़ी फिल्म? ट्रिपल आर के मोशन पोस्टर से हॉलीवुड क्यों हिल गया है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली वाले फिल्म मेकर एसएस राजामौली ने 24 मार्च की सुबह एक ट्वीट किया, लिखा, कोरोना की वजह से दुनिया भर में लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में वो अपनी पब्लिक को थोड़ा चेयर अप करना चाहते हैं। राजामौली ने बताया कि वो 25 मार्च को अपनी अगली फिल्म ट्रिपल आर का टाइटल और मोशन पोस्टर लॉन्च करेंगे। हालांकि ये वीडियो कब लॉन्च किया जाएगा वो इस बारे में श्योर नहीं थे, क्योंकि उनकी टीम भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है। 25 मार्च की दोपहर फाइनली फिल्म का मोशन पोस्टर लॉन्च किया गया। पहली बार बताया गया कि इस ट्रिपल आर का मतलब क्या है। ओरिजिनल यानी तेलुगु में फिल्म का टाइटल होगा रौद्रम रणम रुद्रम। वहीं इंग्लिश में इस ट्रिपल आर का फुल फॉर्म है राइज रोवर रिवॉल्ट। ट्रिपल आर की कहानी होगी आंध्र प्रदेश के दो क्रांतिकारियों की,
जिन्होंने अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष किया था। स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। फिल्म में ये दोनों किरदार निभा रहे हैं तेलुगु सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर। इन लोगों के साथ फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन को भी लिया गया है। ये छोटे मगर मजबूत किरदारों में दिखाई देंगे। खबरों के मुताबिक इस फिल्म में अजय देवगन भगत सिंह का रोल करेंगे और वो ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म का बजट 350 से 400 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। वहीं फिल्म में आलिया भट्ट के किरदार का नाम सीता बताया जा रहा है। पिछले दिनों आई कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि आलिया भट्ट ने ट्रिपल आर छोड़ दी, वजह शूटिंग में कोरोना की वजह से होने वाली देरी। हालांकि फिल्म की टीम ने इस बात को कंफर्म किया, ऐसा कुछ नहीं है, आलिया फिल्म का हिस्सा है और वो अपने हिस्से की शूटिंग कोरोना के निपटते ही निपटाएंगी। ट्रिपल आर की शूटिंग 19 नवंबर 2018 को हैदराबाद में शुरू हुई। तैयारी ये थी कि शूटिंग का काम मार्च 2020 तक खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर शुरुआती प्लानिंग के हिसाब से बात करें तो ट्रिपल आर जुलाई 2020 में रिलीज के लिए शेड्यूल थी, लेकिन फिल्म के मोशन पोस्टर में नई रिलीज डेट 8 जनवरी 2021 बताई जा रही। रौद्रम रणम रुद्रम को तेलुगु, तमिल, कनाडा, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का टाइटल लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। मोशन पोस्टर को देख करके लोगों का मानना है कि यह फिल्म बाहुबली से भी बड़ी हिट फिल्म होगी, क्योंकि मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा रहा है। कोरोना के चक्कर में ट्रिपल आर ने ऐसा तहलका मचाया है कि पूरा सोशल मीडिया ट्रिपल आर का हो गया है। हो क्यों ना, क्योंकि ट्रिपल आर के डायरेक्टर एसएस राजा मौली का जो दिमाग है वो चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलता है। इसीलिए तो एसएस राजा मौली ने जब बाहुबली बनाई थी तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बाहुबली बॉक्स ऑफिस पर इतने करोड़ का बिजनेस करेगी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 2000 से 3000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि फिल्म के स्टार कास्ट बहुत ही अच्छी है। क्योंकि इसी फिल्म में बॉलीवुड और टॉलीवुड का संगम हो रहा है, और एक ऐसा संगम जिसके कारण हॉलीवुड डर गया है। आखिर फिल्म ट्रिपल आर के आर का मतलब क्या है? ट्रिपल आर की कहानी किस फिल्म से इंस्पायर है और कौन से हैं वो बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत टॉलीवुड से की? नमस्कार, मैं हूँ प्रतिष्ठा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। साउथ डायरेक्टर एसएस राजा मौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर को लेकर बहुत पहले से बज बना हुआ है। चर्चा थी कि इस फिल्म के जरिए आलिया भट्ट और अजय देवगन साउथ फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं। अब फिल्म के नाम को लेकर ट्रिपल आर एक बार फिर से सुर्खियों में है। आलिया और अजय के एक साथ डेब्यू मूवी ट्रिपल आर का नाम रघुपति राघव राजा राम है। इस फिल्म का ये नाम कुछ समय पहले तय कर लिया गया था, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया। ट्रिपल आर एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें भारत के स्वतंत्रता सैनिकों अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी दिखाई गई है। इन्होंने भारत को आजादी दिलाने में ब्रिटिश राज के खिलाफ मोर्चा खोला था। फिल्म में एंटी रामा राव जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन हैं। फिल्म के पहले शेड्यूल का एक्शन सीक्वेंस हैदराबाद के एल्यूमिनियम फैक्ट्री में शूट किया गया था। और सबसे खास बात ये है कि फिल्म में हॉलीवुड स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में हॉलीवुड एक्टर्स रे स्टीवेंसन, ओलिविया मॉरिस, एलिसन डूडी भी मेजर रोल निभाएंगे। पहले इस फिल्म को 30 जुलाई 2020 को रिलीज होना था, लेकिन रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा के साथ क्लैश की वजह से फिल्म की रिलीज डेट खिसक गई थी। ये फिल्म अब अगले साल 8 जनवरी 2021 में रिलीज होगी।
ट्रिपल आर का बजट बहुत ज्यादा बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 350 से 400 करोड़ खर्च होंगे। इस फिल्म की कहानी चे गवेरा की मोटरसाइकिल डायरीज से इंस्पायर है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि और कौन कौन से हैं वो बॉलीवुड मेल और फीमेल एक्टर्स जिन्होंने अपनी डेब्यू टॉलीवुड से की। तो सबसे पहले नंबर पर है ऐश्वर्या राय। इनकी पहली फिल्म इरुवर तमिल में बनी, जिसे मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया था। 2000 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कंडू कोडिन काफी मशहूर हुई और ऐश्वर्या की हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। लेकिन ऐश्वर्या संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से चर्चा में आई। आज ऐश्वर्या भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक हैं और भारत की सबसे धनी महिलाओं में शामिल हैं। फिर हैं विद्या बालन। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म चक्रम से की, जिसमें फिल्म के अभिनेता सुपरस्टार मोहनलाल थे, लेकिन वो फिल्म बंद कर दी गई। उसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म रन की, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह मीरा जासमिन को लिया गया। इसके बाद इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्म की और बॉलीवुड फिल्म से इन्होंने अपनी करियर बनाई। फिर आती है प्रियंका चोपड़ा। 2002 में तमिल फिल्म थमी जहन से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद इन्होंने अंदाज, ऐतराज, दोस्ताना और मैरी कॉम जैसी कई फिल्में की और इस तरह से लगातार बॉलीवुड में ही उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती रही और वो बॉलीवुड में छा गईं। इसके बाद हैं एक्टर माधवन। हिंदी फिल्मों के जाने माने चेहरे हैं और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत अलाई पाउथे से की। माधवन को 4 फिल्म फेयर अवार्ड और तमिलनाडु के स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। वैसे माधवन उनमें से एक गिने चुने एक्टर हैं जो 7 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में दिखाई देने वाली भारतीय अपील को प्राप्त करने में बहुत ही कामयाब रहे। इसके बाद आते हैं कमल हासन, जो कि एक इंडियन फिल्मों के एक्टर हैं। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कालाथुर कन्नम्मा से की। ये एक स्टोरी राइटर और फिल्म निर्माता के साथ साथ भारतीय सिनेमा के प्रमुख किरदार को जीने वाले अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। कमल हासन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई भारतीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता के तौर पर जाने जाते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसी जानकारी के लिए, ट्रिपल आर ने बाहुबली को कैसे दिया पछाड़, ट्रिपल आर को एसएस राजामौली ब्रह्मांड की तरह क्यों बना रहे हैं, 700 साल पुरानी दिल्ली की चोर मीनार किस लिए जानी जाती है, इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। राजामौली की मल्टी स्टारर मूवी ट्रिपल आर को लेकर बवाल मच रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस फिल्म का ऐलान जब से हुआ है, तब से इससे जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो दर्शकों की बेचैनी को और बढ़ा देती है। राजामौली खुद कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संघर्ष दिखाया है, जबकि वो दास्तां के खिलाफ थे। इस फिल्म के जरिए वो इन क्रांतिकारियों के संघर्ष को अलग तरह से पेश करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे कैनवास को एक नए ब्रश के साथ पूरी तरह से चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि मैं जो ब्रह्मांड बनाऊ उसमें वीरता, ऊर्जा और धैर्य हो। 1920 के दशक में वास्तविक जीवन के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लू सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन को पर्दे पर लाने के लिए राजामौली फिल्म के लिए काफी रिसर्च भी कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी चे ग्वेरा की मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर है। वहीं इस मूवी की जब अनाउंसमेंट हुई तो दर्शकों के दिल में एक और सवाल भी था कि ट्रिपल आर की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम है रघुपति राघव राजाराम, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है।
वो ये कि इस फिल्म के नाम को इसमें काम करने वाले स्टार्स के नाम पर रखा गया है। जहां SS राजामौली ने बाहुबली 1 180 करोड़ में बनाई और दूसरा भाग 250 करोड़ में, तो RRR को 400 करोड़ जितने बड़े बजट में बनाने की आखिर वजह क्या है? वजह साफ है। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने के बाद दर्शकों की उम्मीदें स्पेशली SS राजामौली से काफी ज्यादा हो गई हैं। तो ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। ऊपर से फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो बजट ज्यादा होना तो लाजमी है। वहीं क्योंकि ये फिल्म 1920 के दशक की है तो उस समय के सेट को आज में प्रेजेंट करके दिखाना बेहद मुश्किल है। ये भी एक बड़ी वजह है इस फिल्म को इतने बड़े बजट में बनाने की। अब अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो बाहुबली को RRR पछाड़ सकती है। ऑलरेडी बजट के मामले में तो पछाड़ चुकी ही है। और रही बात फिल्म रिलीज होने की, तो फिल्म में साउथ के दो सुपरस्टार काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे अजय देवगन भी फिल्म का हिस्सा है, तो आलिया भट्ट भी है जो खुद इंडस्ट्री में अपना नाम एस्टेब्लिश कर चुकी है। तो उम्मीदें तो काफी ज्यादा हैं सभी को, लेकिन क्या इन उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतर पाएगी? ये सवाल भी कहीं ना कहीं सबके मन में जरूर होगा। खैर, अब बात करते हैं चोर मीनार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसको बनाया गया था, करीब 1296 से 1316 के बीच। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोषी का सिर काटकर मीनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था और इस मीनार में करीब 200 से ज्यादा सुराखे हैं। इसका साफ मकसद था कि लोगों के बीच चोरी को लेकर डर पैदा हो, क्योंकि प्राचीन काल में लुटेरे बहुत हुआ करते थे, आज भी होते हैं पर रूप अलग हैं। SS राजामौली की फिल्म RRR को आलिया भट्ट ने क्यों छोड़ा? किस वजह से टूट गया आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का रिश्ता? आलिया भट्ट की और कौन कौन फिल्म आने वाली है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR काफी दिनों से चर्चा में है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट साउथ फिल्मों में डेब्यू करने वाली थी। अब खबर आ रही है कि आलिया भट्ट ने डेट्स की समस्या के चलते राजामौली की फिल्म छोड़ दी। वैसे माना जा रहा था कि गली बॉय एक्ट्रेस इस महीने की शुरुआत में RRR के लिए हैदराबाद, गुजरात और पुणे में शूटिंग करने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन कर दी गई। अब सूत्रों का कहना है कि राजामौली लगातार आलिया भट्ट के मैनेजर के संपर्क में है और वे मई में उनकी डेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आलिया सड़क 2, ब्रह्मास्त्र और संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी जैसे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही हैं। एक्ट्रेस को लगा कि वे डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने राजामौली की फिल्म से हटने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ दिन पहले RRR के प्रोड्यूसर DBV धानिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आलिया भट्ट मई के महीने से RRR की शूटिंग शुरू करने वाली है। फिल्म की 75% शूटिंग हो चुकी है, बाकी शूटिंग आलिया के साथ होनी है। आलिया जैसे इस फिल्म के साथ जुड़ जाएंगी वैसे ही राजामौली इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। RRR एक पीरियड ड्रामा है जिसमें भारत के स्वतंत्रता सैनिकों अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और इसी फिल्म में बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन भी कैमियो रोल करते हुए दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 400 से 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक है। दोनों की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो रणबीर और आलिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि दोनों का ब्रेकअप, और ब्रेकअप की वजह बताई जा रही है रणबीर का व्यवहार। आलिया के लिए रणबीर का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है, इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और कुछ लोगों का मानना है कि रणबीर और आलिया अब भी साथ हैं। अभी हाल ही में आलिया भट्ट 27 साल की हुई है और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन बहन शाहीन भट्ट और अपनी गर्ल गैंग के साथ मनाया, लेकिन उसके बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई
जिसमें रणबीर कपूर उन्हें किस करते हुए नजर आ रहे थे। उस फोटो में रणबीर और आलिया के अलावा अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा भी थे। फोटो को नताशा पूनावाला ने अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया था। लेकिन अब खबरें यह हैं कि रणबीर तो आलिया की बर्थडे पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। ऐसे में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो फोटो आलिया के बर्थडे पार्टी के दौरान की थी या फिर किसी और दिन की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा या वहीं पर कमेंट के नीचे आपको बता दिया जाएगा। SS राजामौली की फिल्म RRR को आलिया भट्ट ने क्यों छोड़ा? किस वजह से टूट गया आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का रिश्ता? आलिया भट्ट की और कौन कौन फिल्म आने वाली है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग रात के फिल्मी गलियारे में। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR काफी दिनों से चर्चा में है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट साउथ फिल्मों में डेब्यू करने वाली थी। अब खबर आ रही है कि आलिया भट्ट ने डेट्स की समस्या के चलते राजामौली की फिल्म छोड़ दी। वैसे माना जा रहा था कि गली बॉय एक्ट्रेस इस महीने की शुरुआत में RRR के लिए हैदराबाद, गुजरात और पुणे में शूटिंग करने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन कर दी गई। अब सूत्रों का कहना है कि राजामौली लगातार आलिया भट्ट के मैनेजर के संपर्क में है और वे मई में उनकी डेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आलिया सड़क 2, ब्रह्मास्त्र और संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी जैसे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही हैं। एक्ट्रेस को लगा कि वे डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने राजामौली की फिल्म से हटने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ दिन पहले RRR के प्रोड्यूसर DBV धानिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आलिया भट्ट मई के महीने से RRR की शूटिंग शुरू करने वाली है। फिल्म की 75% शूटिंग हो चुकी है, बाकी शूटिंग आलिया के साथ होनी है। आलिया जैसे इस फिल्म के साथ जुड़ जाएंगी वैसे ही राजामौली इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। RRR एक पीरियड ड्रामा है जिसमें भारत के स्वतंत्रता सैनिकों अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और इसी फिल्म में बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन भी कैमियो रोल करते हुए दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 400 से 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक है। दोनों की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो रणबीर और आलिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि दोनों का ब्रेकअप, और ब्रेकअप की वजह बताई जा रही है रणबीर का व्यवहार। आलिया के लिए रणबीर का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है, इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और कुछ लोगों का मानना है कि रणबीर और आलिया अब भी साथ हैं। अभी हाल ही में आलिया भट्ट 27 साल की हुई है और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन बहन शाहीन भट्ट और अपनी गर्ल गैंग के साथ मनाया, लेकिन उसके बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई जिसमें रणबीर कपूर उन्हें किस करते हुए नजर आ रहे थे। उस फोटो में रणबीर और आलिया के अलावा अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा भी थे। फोटो को नताशा पूनावाला ने अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया था। लेकिन अब खबरें यह हैं कि रणबीर तो आलिया की बर्थडे पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। ऐसे में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो फोटो आलिया के बर्थडे पार्टी के दौरान की थी या फिर किसी और दिन की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा या वहीं पर कमेंट के नीचे आपको बता दिया जाएगा। RRR ने बाहुबली को कैसे दिया पछाड़? RRR को SS राजामौली ब्रह्मांड की तरह क्यों बना रहे हैं? 700 साल पुरानी दिल्ली की चोर मीनार किस लिए जानी जाती है? इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। SS राजामौली की मल्टी स्टारर मूवी RRR को लेकर बवाल मच रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस फिल्म का ऐलान जब से हुआ है, तब से इससे जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो दर्शकों की बेचैनी को और बढ़ा देती है। राजामौली खुद कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में
भारतीय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संघर्ष दिखाया है, जबकि वो दास्तां के खिलाफ थे। इस फिल्म के जरिए वो इन क्रांतिकारियों के संघर्ष को अलग तरह से पेश करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे कैनवास को एक नए ब्रश के साथ पूरी तरह से चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि मैं जो ब्रह्मांड बनाऊं उसमें वीरता, ऊर्जा और धैर्य हो। 1920 के दशक में वास्तविक जीवन के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लू सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन को पर्दे पर लाने के लिए राजामौली फिल्म के लिए काफी रिसर्च भी कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी चे ग्वेरा की मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर है। वहीं इस मूवी की जब अनाउंसमेंट हुई तो दर्शकों के दिल में एक और सवाल भी था कि ट्रिपल आर की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम है रघुपति राघव राजाराम, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। वो ये कि इस फिल्म के नाम को इसमें काम करने वाले स्टार्स के नाम पर रखा गया है। जहां एसएस राजामौली ने बाहुबली 1 180 करोड़ में बनाई और दूसरा भाग 250 करोड़ में, तो ट्रिपल आर को 400 करोड़ जितने बड़े बजट में बनाने की आखिर वजह क्या है? वजह साफ है। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने के बाद दर्शकों की उम्मीदें स्पेशली एसएस राजामौली से काफी ज्यादा हो गई हैं। तो ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। ऊपर से फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो बजट ज्यादा होना तो लाजमी है। वहीं क्योंकि ये फिल्म 1920 के दशक की है तो उस समय के सेट को आज में प्रेजेंट करके दिखाना बेहद मुश्किल है। ये भी एक बड़ी वजह है इस फिल्म को इतने बड़े बजट में बनाने की। अब अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो बाहुबली को ट्रिपल आर पछाड़ सकती है। ऑलरेडी बजट के मामले में तो पछाड़ चुकी ही है। और रही बात फिल्म रिलीज होने की, तो फिल्म में साउथ के दो सुपरस्टार काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे अजय देवगन भी फिल्म का हिस्सा है, तो आलिया भट्ट भी है जो खुद इंडस्ट्री में अपना नाम एस्टेब्लिश कर चुकी है। तो उम्मीदें तो काफी ज्यादा हैं सभी को, लेकिन क्या इन उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतर पाएगी? ये सवाल भी कहीं ना कहीं सबके मन में जरूर होगा। खैर, अब बात करते हैं चोर मीनार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसको बनाया गया था, करीब 1296 से 1316 के बीच। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोषी का सिर काटकर मीनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था और इस मीनार में करीब 200 से ज्यादा सुराखे हैं। इसका साफ मकसद था कि लोगों के बीच चोरी को लेकर डर पैदा हो, क्योंकि प्राचीन काल में लुटेरे बहुत हुआ करते थे। आज भी होते हैं पर रूप अलग हैं। खैर, हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको भी लगता है ट्रिपल आर बाहुबली को पछाड़ देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप किसी एक्टर की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी भी बॉलीवुड की नई या पुरानी फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बॉलीवुड से रिलेटेड जाननी है, नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल। ट्रिपल आर में काम करने के लिए अजय देवगन ने कितनी फीस ली है? ट्रिपल आर फिल्म का बजट कितना रखा गया है और क्या ये फिल्म बाहुबली से भी बड़ी होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, तानाजी से सुर्खियां बटोरने के बाद अजय देवगन अपनी अगली फिल्म ट्रिपल आर का ऐलान कर चुके हैं और ये भी एक बड़े बजट में बनी पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो ये कि फिल्म को बाहुबली फेम एसएस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं। कहानी की अगर बात करें तो ये फिल्म होगी आंध्र प्रदेश के दो क्रांतिकारियों की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष किया था, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। फिल्म में ये दोनों किरदार निभा रहे हैं तेलुगु सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर। इन लोगों के साथ ही फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन को भी लिया गया है।
इनके किरदार छोटे मगर मजबूत दिखाई देंगे। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक और खबर सामने आई है, वो ये कि ट्रिपल आर के लिए अजय देवगन ने कितनी फीस ली है। दोस्तों, फीस की बात इसलिए छिड़ी है क्योंकि ये पिक्चर बहुत बड़े बजट में बन रही है। इसकी लागत 350 करोड़ से 400 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है। ऑब्वियसली उसमें तीनों सुपरस्टार्स की फीस भी शामिल होगी। तो ये सब जानने के बाद इंटरेस्ट की सुई कहाँ जाकर रुकती है, यही कि अजय देवगन ने इस फिल्म के लिए कितने पैसे लिए हैं, राइट? लेकिन अजय देवगन ये फिल्म फ्री में कर रहे हैं। आप हो गए ना शॉक? लेकिन यही सच है। कोई तो वजह होगी कि इतना बड़ा स्टार फ्री में फिल्म कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, और वजह है SS राजामौली और अजय देवगन की दोस्ती। जबकि ट्रिपल आर के प्रोड्यूसर DVV दनैया अजय देवगन को पूरी फीस देने के लिए तैयार थे, और जहां अजय देवगन सिर्फ कैमियो के लिए फिल्म में 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, अजय ने दनैया का ये ऑफर ठुकरा दिया। दरअसल उन्होंने डायरेक्टर राजामौली से अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए इस फिल्म के लिए एक भी पैसा लेने से मना कर दिया है। लेकिन इतनी गहरी दोस्ती हुई कैसे? दोस्तों, इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी साल 2012 से। अजय देवगन ने राजामौली की फिल्म ईगा, जिसे हिंदी में मक्खी के नाम से जाना जाता है, उसमें एक छोटा सा वॉइस ओवर दिया था। तब से ही अजय देवगन और राजामौली की दोस्ती की शुरुआत हुई। वेल, जब फीस की बात छिड़ ही गई है तो अक्षय कुमार का भी जिक्र कर लेते हैं। जी हाँ, अक्षय कुमार आनंद एल रॉय की धनुष और सारा अली खान स्टारर फिल्म अतरंगी रे में काम करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने 120 करोड़ रुपए की फीस ली है। ये आंकड़ा सुनकर तो वाकई काफी बड़ा लग रहा है। खैर, अब बात करते हैं ट्रिपल आर में अजय देवगन के किरदार की। तो वो फिल्म में सरदार भगत सिंह के रोल में दिखाई देंगे। यही वो किरदार होगा जो सीताराम राजू और कोमाराम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करेगा। इस फिल्म की कहानी तो रियल लोगों से प्रेरित है, लेकिन कहने के तरीके में थोड़ी मिलावट नजर आएगी। साथ ही साथ उन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी को बिल्कुल रियल न रखते हुए थोड़ा फिक्शनल रखा जाएगा। तो दूसरी ओर अजय देवगन की फिल्म तानाजी, जो 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी, अब तक सिनेमा घरों में धूम मचाए हुए है। फिल्म की कमाई 250 करोड़ रुपए के भी पार जा चुकी है, और फिलहाल अजय देवगन अपनी अगली फिल्म मैदान की शूटिंग में बिजी हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अजय देवगन की कौन सी आने वाली फिल्म को लेकर हैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाहुबली के डायरेक्टर राजामौली की ट्रिपल आर कैसे बन गई है 2000 करोड़ी फिल्म? ये फिल्म पहले दिन ही बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड कैसे तोड़ देगी? हॉलीवुड ट्रिपल आर से क्यों डर रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राद के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो बड़ा धमाका करते हैं। SS राजामौली बाहुबली 1 और 2 के जरिए फिल्मी दुनिया में भूचाल लाने वाले ऐसे शख्स हैं जिनकी फिल्में कमाई के लिए जानी जाती हैं। अब SS राजामौली की अगली फिल्म ट्रिपल आर रिलीज से पहले ही कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। ट्रिपल आर में अजय देवगन, जूनियर NTR और रामचरण लीड रोल में नजर आएंगे। अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले कोमल नहाटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि रिलीज से पहले ही ट्रिपल आर ने 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। SS राजामौली की ट्रिपल आर ने प्री रिलीज बिजनेस का बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 215 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 50 करोड़ रुपए में इसके अधिकार बेचे गए हैं, जबकि इसके ओवरसीज राइट्स को 70 करोड़ रुपए में बेचा गया है। इस तरह साउथ इंडिया और ओवरसीज से ही ट्रिपल आर रिलीज से पहले ही 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि ट्रिपल आर 2000 करोड़ का बिजनेस कैसे करेगी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजय देवगन बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्में आराम से 100, 200, 300 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। तो अजय देवगन को भी मिला दिया जाए तो ट्रिपल आर का कुल कलेक्शन करीब
900 करोड़ रुपए हो जाता है। अब बाहुबली सीरीज का भी फायदा SS राजामौली को मिलेगा। अगर उस फायदे को भी मिला दिया जाए तो RRR का कुल कलेक्शन करीब 1500 करोड़ रुपए हो जाएगा। जूनियर NTR की फिल्में भी आसानी से 300 से 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती हैं। रामचरण की फिल्म ने भी 200 करोड़ रुपए तक का बिजनेस किया। इन सारे तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि RRR बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का बिजनेस बहुत ही आसानी से कर लेगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए ये फिल्म अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म बन गई है। रिलीज से पहले ही RRR ने कैसे बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो बड़ा धमाका ही होता है। SS राजामौली बाहुबली के जरिए फिल्मी दुनिया में भूचाल ला चुके हैं और कमाई के नए कीर्तिमान बना चुके हैं। अब SS राजामौली की अगली फिल्म RRR रिलीज से पहले ही कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। आपको बता दें RRR में अजय देवगन, जूनियर NTR और रामचरण लीड रोल में हैं। लेकिन फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नहाजा ने RRR के बिजनेस को लेकर एक ट्वीट किया है और उसके मुताबिक फिल्म रिलीज से पहले ही 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। कोमल नहाजा ने RRR को लेकर ट्वीट किया है, SS राजामौली की RRR ने प्री रिलीज बिजनेस का बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 215 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 50 करोड़ रुपए के इसके राइट्स बिके हैं, जबकि इसके ओवरसीज राइट्स 70 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। इस तरह साउथ इंडिया और ओवरसीज से हो रही RRR रिलीज से पहले ही 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। इस तरह उम्मीद की जा सकती है कि राजामौली RRR के साथ भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि फिल्म के लिए अजय देवगन कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं और अजय देवगन की साउथ में ये पहली फिल्म होने वाली है। बाहुबली के डायरेक्टर राजामौली की RRR अगले साल 8 जनवरी को रिलीज होगी। हाल ही में खबर आई थी कि रे स्टीवेंसन, ओलिविया मॉरिस और एलिसन डूडी जैसे मशहूर कलाकार RRR के साथ जुड़ गए हैं। फिल्म का 70% से भी अधिक हिस्सा शूट किया जा चुका है और फैंस को बाहुबली के निर्देशक राजामौली की RRR का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो दोस्तों आप ही हमें बताइए कि आपको RRR का कितना इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन में। SS राजामौली RRR क्या मगाधीरा की तर्ज पर बनाएंगे या फिर बाहुबली का अनुसरण करेंगे? कैसे ये फिल्म कमाने जा रही है 1000 करोड़? क्या ये भारत की सबसे महंगी फिल्म है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। निर्देशक SS राजामौली की अगली फिल्म RRR की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। फिल्म के सेट पर सुपरस्टार अजय देवगन, रामचरण, जूनियर NTR के साथ राजामौली की तस्वीरें बाहर आई हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हो भी क्यों ना, एक साथ इन चारों को देखना बड़ी बात है। जहां अजय देवगन बॉलीवुड के स्टार हैं, वहीं रामचरण और जूनियर NTR तेलुगु सिनेमा के जाने माने नाम हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो है राजामौली, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बाहुबली जैसी फिल्म दी है। बाहुबली फिल्म निर्देशक राजामौली की ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है। फिल्म का बजट काफी ज्यादा रखा गया है। रामचरण, NT रामा राव जूनियर, अजय देवगन के अलावा फिल्म में आलिया भट्ट भी मुख्य किरदार में दिखेंगी। कोई शक नहीं है कि बाहुबली धमाका के बाद दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में अजय देवगन लंबा कैमियो निभाने वाले हैं, जो कि काफी अहम होगा। वहीं आलिया भट्ट बतौर लीड एक्ट्रेस दिखेंगी। ये फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो अब इस डेट को बदल दिया गया है। हालांकि अभी अक्टूबर की फाइनल डेट नहीं आई है। फिल्म 1920 के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू
और कोमाराम भीम के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी काल्पनिक है जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी थी। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी बड़ी होने वाली है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये फिल्म भारत की सबसे महंगी फिल्म होगी। फिल्म की टीम ने पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब फिल्म की टीम अपने दूसरे शेड्यूल पर काम कर रही है। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम समेत कुल 10 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज की जाएगी। ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है। फिल्म को ओवरसीज में काफी बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि राजामौली की पिछली फिल्म बाहुबली ने ओवरसीज में 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। इससे राजामौली ने बाहुबली सीरीज, इगामगा धीरा जैसी बिग बजट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लिहाजा ट्रिपल आर से भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका की उम्मीद जताई जा रही है। राजामौली का मानना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने सिर्फ उनके जीवन का संघर्ष दिखाया, जबकि उन्होंने दास्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस फिल्म के जरिए वो उन क्रांतिकारियों के संघर्ष को अलग तरह से पेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी। क्यों बदल गई ट्रिपल आर की रिलीज डेट? फिल्म में किस प्रकार का होगा एक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित आलिया भट्ट और अजय देवगन के साथ एनटीआर और रामचरण अभिनीत फिल्म है। सूत्रों के अनुसार फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है और जुलाई 2020 में रिलीज नहीं होगी। फिल्म ट्रिपल आर की टीम के करीबी सूत्रों के अनुसार यह अक्टूबर में रिलीज होने की संभावना है। इस फिल्म को लेकर समीक्षक तरण अरदास और कोमल नहात ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। हाल ही में रे स्टीवेंसन, ओलिया मार्शेस और एलिसन डूरी जैसे मशहूर कलाकार ट्रिपल आर के साथ जुड़ गए हैं। फिल्म 2020 की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक है और इसमें फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सितारों की टुकड़ी भी देखने को मिलेगी। फिल्म का 70% भाग शूट हो चुका है और प्रशंसकों को बाहुबली के निर्देश एसएस राजामौली की ट्रिपल आर की रिलीज का सब बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण डीवीवी दनिया ने किया है। फिल्म में साउथ के दो सबसे बड़े सुपरहिट एनटीआर जूनियर और रामचरण के अलावा हिंदी सिनेमा के भरोसेमंद सितारे अजय देवगन भी हैं। फिल्म में दोनों के लीड हीरो की एंट्री सीन शूट कर दिया गया है और उसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा चुका है। बॉलीवुड के किस एक्टर ने तानाजी को वाहियात कहने की हिम्मत की है? ये एक्टर क्यों अजय देवगन से पंगे लेता रहता है? क्या अब इसे मिल गया है इसका मुंहतोड़ जवाब? और तानाजी ने रच दिया है कौन सा इतिहास? और अब अजय ने किस फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 167 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर ली है। वैसे तो तानाजी की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि तानाजी ने पहले दिन 15 करोड़ की कमाई थी और 16वें दिन अपने पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा की कमाई कर ली। वैसे फिल्म ने एक और हिस्ट्री बनाई है। अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर को दो गुना प्यार मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और अब तीनों सेनाओं के प्रमुख ने साथ मिलकर ये फिल्म भी देख ली। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फिल्म को तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ देख रहे हो। वेल, अजय देवगन भी इस बात से बेहद खुश है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और अजय ने ठान ली है कि अब वो रुकेंगे नहीं और अपनी अगली फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, अजय देवगन का अगला प्रोजेक्ट है ट्रिपल आर, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली। ट्रिपल आर मूवी के मेकर्स ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, हम लोग अजय देवगन के साथ हमारे शेड्यूल की शुरुआत के लिए बहुत खुश हैं। फिल्म ट्रिपल आर में कई बड़ी हस्तियां भी दिखेंगी। फिल्म में जेआर, एनटीआर, रामचरण, आलिया भट्ट और विदेशी एक्ट्रेस डेजी जोनस भी लीड रोल में होंगी। फिल्म बड़े बजट की बताई जा रही है। फिल्म का बजट 400 करोड़ होने वाला है। ये फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होगी। वेल दोस्तों, जहां अजय की तानाजी ने दिखा दिया है कि इसमें कितना दम है, वहीं बॉलीवुड के एक एक्टर ने इस फिल्म को वाहियात बता दिया था। ये एक्टर अब फिल्म क्रिटिक है
और इनका नाम KRK है, यानी कमाल आर खान, जिन्हें आप सभी जानते हैं। लेकिन अब तानाजी की ताबड़तोड़ कमाई से खुद KRK शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। KRK ने माफी मांगते हुए ट्वीट किया है कि तानाजी रिलीज के दूसरे सोमवार को भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसका मतलब कि ये कि फिल्म 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा आसानी से छू लेगी। मैं अपने रिव्यू के लिए माफी मांगता हूँ अगर पब्लिक को फिल्म पसंद आती है, क्योंकि जनता की आवाज नकारे खुदा। आपको बता दें, KRK ने तानाजी को वाहियात फिल्म बताया था और कहा था कि पानीपत भी इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी है। उन्होंने इस फिल्म को 1 स्टार दिया था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, KRK ने फिल्म शिवाय के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। उस वक्त करण जौहर की ऐ दिल मुश्किल और शिवाय में क्लैश होना था, और खबर तो ये भी थी कि अजय ने करण जौहर पर आरोप लगाया था कि करण ने KRK को पैसे दिए थे शिवाय का घटिया रिव्यू देने के लिए। इसके बाद दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई। हाल ही में एक रियलिटी शो में भी अजय ने करण पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। वेल, इस बार भी KRK ने तानाजी का गंदा रिव्यू कर शक पैदा कर दिया कि आखिर KRK को अजय देवगन से दुश्मनी क्या है। वेल, फिलहाल तो KRK को उनका जवाब मिल गया है, और क्या जवाब मिला है, मतलब कुछ दिन तक KRK की बोलती बंद हो जाएगी। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको RRR का कितना इंतजार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। RRR फिल्म के गाने बाहुबली की तरह क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या RRR बाहुबली से भी बड़ी फिल्म होगी? RRR का बजट कितना रखा गया है और फिल्म का नाम RRR ही क्यों रखा गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, RRR में तेलुगु फिल्मों के दो सुपरस्टार रामचरण तेजा और जूनियर NTR काम कर रहे हैं। साथ में प्रकाश राज, मुरली शर्मा, मुकेश ऋषि, श्रीनिवास राव और फिल्म में चिरंजीवी का भी गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें कि फिल्म का नाम RRR ही क्यों रखा गया है, तो आपको बता दें कि SS राजामौली, जूनियर NTR और रामचरण तेजा, इन तीनों के ही नाम में आर वर्ड का यूज होता है, और देखा जाए तो इन तीनों के नाम पर ही ये फिल्म बिकेगी भी। तो इन तीनों के नामों को मिलाकर इस फिल्म का वर्किंग टाइटल RRR रख दिया गया है। वहीं इस फिल्म का बजट भी करीब 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म भव्य स्तर पर बनने वाली है। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इस फिल्म की कहानी को राजामौली के पापा KB विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, और ये कहानी रीबर्थ पर बेस्ड होने वाली है। वेल, रीबर्थ से याद आया, 1995 में इस तरह की एक फिल्म आ चुकी है, शाहरुख खान और सलमान खान स्टारर करण अर्जुन, और गौर करने वाली बात है कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। तो ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा कि इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है। वहीं अगर फिल्म के गानों की बात की जाए तो इस फिल्म के गाने भव्यता से परिपूर्ण होने वाले हैं। इनफैक्ट जिस प्रकार से बाहुबली में जियो रे जियो बाहुबली टाइटल ट्रैक रखा गया था, उसी प्रकार से RRR में भी एक टाइटल ट्रैक रखा जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, कुछ इसी प्रकार का गीत भी SS राजामौली अपनी इस फिल्म में चाहते हैं। बाहुबली में म्यूजिक दिया था राजामौली की कजिन MM किरावडी ने, और ये बताने की तो जरूरत है नहीं, बाहुबली के म्यूजिक को दुनिया भर में बेशुमार प्यार मिला था, खूब पसंद किया गया था, और शायद यही कारण है कि SS राजामौली RRR फिल्म के लिए भी किरावडी को साइन करने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट ये तक मानना है कि RRR बाहुबली की तरह भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म हो सकती है। वेल, अब ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि क्या RRR बाहुबली को टक्कर दे पाएगी, चाहे वो गानों के मामले में हो या फिर फिल्म की कहानी के मामले में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल। SS राजामौली की RRR केवल 40% क्यों बन पाई है, और इस फिल्म का क्लाइमैक्स कितने मिनट का होगा? अजय देवगन के जुड़ने से इस फिल्म को कितने करोड़ का फायदा होगा? मैं आपका स्वागत करता हूँ
बॉलीग राज के फिल्मी गलियारे में। एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग भव्य स्तर पर चल रही है, लेकिन जुलाई में रिलीज होने वाली फिल्म अब पोस्टपोन कर दी गई है और अब ये फिल्म अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। पहले फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज हो रही थी। फिल्म की नई रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं की गई है। फिल्म की कहानी 1920 के दशक के दो स्वतंत्रता सेनानियों अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर आधारित है। इन दोनों वीर पुरुषों ने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि फिल्म इन दोनों लड़ाकों की दोस्ती के बारे में कही जा रही है। हाल ही में खबरें थी कि फिल्म की कास्ट में किच्चा सुदीप भी जुड़ चुके हैं। माना जा रहा था कि किच्चा सुदीप फिल्म में एक पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन किच्चा ने साफ करते हुए कहा कि वो फैंस की खुशी समझ सकते हैं, पर उन्हें ऐसे किसी रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। फिल्म के बारे में बात करते हुए एसएस राजामौली बता चुके हैं कि ये बहुत बड़ी फिल्म है और पूरी तरह से काल्पनिक है। ये दो सच के हीरो की कहानी है। मैं छोटे स्तर में फिल्में बनाना पसंद नहीं करता और इसलिए इस फिल्म में भी सब कुछ काफी बड़े भव्य स्तर पर किया जा रहा है। फिल्म के लिए रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर भव्य स्तर पर 20 तारीख से एक्शन सीन शूट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों ने अलग अलग अपने एक्शन सीन शूट किए हैं और इसके बाद फिल्म लगभग 50% पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए 15 मिनट का एक लंबा फाइट सीन शूट होना है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इससे पहले फिल्म का इंटरवल सीन देखकर भी फैंस वाह कह उठेंगे। इस फिल्म के लिए अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच कड़ी टक्कर चली। माना जा रहा था कि दोनों को ही फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। खबरें यहां तक थी कि अजय देवगन ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन आखिरकार सारी अफवाहों को पीछे छोड़ते हुए अजय ने इस रोल को अपने नाम कर लिया है। खबर है कि फिल्म में अजय देवगन रामचरण तेजा के पिता की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की टीम ने अजय देवगन का स्वागत करते हुए लिखा था, हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप हमारी इस फिल्म में एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। इंतजार ही नहीं हो रहा है। ट्रिपल आर आजादी के पहले की समय की फिल्म है, जहां रामचरण तेजा पुलिस और जूनियर एनटीआर एक डाकू की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में देखना है कि इस नॉर्मल सी कहानी में वो ऐसा क्या अद्भुत करते हैं। माना जा रहा है कि फिल्म में बाहुबली की पूरी टीम वापस एक साथ काम कर रही है। पिछली बार जब इस टीम ने काम किया था तो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बना डाली थी। इस बार अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो हो सकता है कि फिर से इतिहास दोहराया जाए। एसएस राजामौली ने काफी पहले ही एकदम साफ साफ कहा था कि आलिया भट्ट और अजय देवगन फिल्म में केवल सहयोगी भूमिका में होंगे। जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा की अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म से अजय देवगन के जुड़ने से इस फिल्म को कम से कम 200 करोड़ का फायदा होगा, यानी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। अब ये देखना है कि क्या ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं वर्द और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद एसएस राजामौली ने लॉन्च किया तीसरा मेगा बजट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर यानी कि रामा रावण राज्यम इस फिल्म का नाम है, लेकिन पोस्टर में सिर्फ इतना दिखाया गया है कि ट्रिपल आर और उसके नीचे लिखा गया है रामा रावण राज्यम, जो कि इस फिल्म का नाम है। हम आपको बता दें कि बाहुबली का बजट था 180 करोड़ और बाहुबली 2 का बजट था 250 करोड़ और इस फिल्म का बजट है 300 करोड़ से भी ऊपर का। ये भी एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में एक गांव बनाया गया है, जिसमें आप 1920 में भारत के गांव कैसे हुआ करते थे आप इसमें देख सकते हैं। इस फिल्म के मेन लीड एक्टर्स हैं एनटीआर और रामचरण, जो कि साउथ के जाने माने चेहरे हैं, जिनकी फिल्में काफी सुपर डुपर हिट रह चुकी हैं।
और ये दोनों एक्टर्स फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी, लेकिन फिल्म की कहानी क्या होगी, ये शास्त्रों या वेदों या पुराणों से उठाई गई है या किसी राजा महाराजा के ऊपर होगी, इस बात का भी कोई खुलासा भी नहीं किया गया है। और इस फिल्म में दोनों के अपोजिट कौन से मेन लीड एक्ट्रेस होंगी, इस बात का भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एस एस राजामौली ने बाहुबली और बाहुबली 2 मूवी बनाने के बाद अगर इस फिल्म को हाथ में लिया है तो ये भी कोई बड़ा धमाका करने वाली होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एस एस राजामौली को तो आप जानते ही हैं बाहुबली के जरिए, जिन्होंने ऐसी दो सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, तो क्या ट्रिपल आर यानी कि रामा रावण राज्यम भी कुछ ऐसा कमाल कर पाएगी जैसा कि बाहुबली 2 ने किया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली अजय देवगन को फिल्म आरआरआर में क्या सिर्फ छोटा सा ही रोल देंगे? फिल्म के टाइटल को लेकर फैंस से क्या और क्यों सुझाव मांग रहे हैं एसएस राजामौली? क्या फिल्म के टाइटल को बदलना चाहते हैं एसएस राजामौली? क्या भूमिका निभाएंगी आलिया भट्ट फिल्म में? कैसे सन 1920 की इस कहानी का रुख बदल देंगी आलिया फिल्म में अपनी एंट्री से? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के आशियाने में। फिल्म बाहुबली के निर्देशक एसएस राजामौली ने अपनी आगामी मेगा फिल्म आरआरआर के प्रति दर्शकों के मन में अभी से उत्सुकता पैदा कर दी है। युवा टाइगर एनटीआर और मेगा पावर स्टार रामचरण अभिनीत ये फिल्म बहुचर्चित फिल्म में से एक है। आरआरआर में अभिनेता अजय देवगन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में नजर आएंगे। राजामौली की आगामी विशालकाय फिल्म आरआरआर अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम इन दो वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों की एक काल्पनिक कहानी है। एसएस राजामौली की ये फिल्म कई भाषाओं में बनाई जाएगी। प्रत्येक भाषा के लिए आरआरआर के बजाय कुछ अलग शीर्षक होंगे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रशंसकों से भी सुझाव मांगे हैं, यानी अब प्रशंसक आरआरआर के बदले प्रत्येक भाषा के लिए शीर्षक सुझा सकते हैं। तो दोस्तों, आप किस भाषा में इस फिल्म का कौन सा शीर्षक देखना चाहेंगे या फिर सुझाव करना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शायद एसएस राजामौली आप ही का टाइटल उठा लें। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही आलिया भट्ट के किरदार का नाम सीता है, जो रामचरण के ऑपोजिट नजर आएंगी। आलिया ने कहा, इस फिल्म में मुझे बहुत ही अहम किरदार मिला है, मैं इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आती हूँ और फिल्म का रुख बदल देती हूँ। दो वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित आरआरआर में आजादी से पहले सन 1920 के आसपास की कहानी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म में अपनी एंट्री से आलिया भट्ट किस कदर फिल्म का रुख बदल देती हैं। जूनियर एनटीआर इस फिल्म में कोमाराम भीम की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं तेजा से चर्चा में आए रामचरण इसमें अल्लूरी के किरदार में नजर आएंगे। राजामौली की कोशिश दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के जवानी के दिनों के बारे में बताने की है। इस फिल्म के निर्माण के लिए डायरेक्टर और टीम ने भरपूर रिसर्च किया है। अब तो जब ये फिल्म बनेगी और फिल्म जब रिलीज होगी, तो उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसे और किस कदर धमाल मचाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। रामा रावणा राजम फिल्म किससे इंस्पायर्ड है? शमशेरा और ट्रिपल आर में से किसकी जीत होगी? आखिर क्यों साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के एक्टर्स को चांस दे रही है अपने फिल्मों में? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म रामा रावणम राज्यम के बारे में, मतलब कि ट्रिपल आर के बारे में। दोस्तों, पूरे सिनेमा यूनिवर्स में अगर इंडीवुड के बारे में बात होती है तो उसमें सिर्फ दो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री। इंडिया के बाहर पहले साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन सिर्फ एक फिल्म ने ना सिर्फ लोगों का
परसेप्शन चेंज करने में कामयाब रही, बल्कि उस इंडस्ट्री को उस फिल्म से बहुत हाइप मिला। इस एक फिल्म की वजह से आज ऐसा लगता है कि बॉलीवुड उनके सामने नाक रगड़ रहा है। और अगर दोनों इंडस्ट्री के फिल्मों को कॉम्पिटिशन के नजरिए से देखे तो बॉलीवुड हार रहा है। मैं बात कर रहा हूं बाहुबली सीरीज के बारे में। बाहुबली और बाहुबली 2 दो सुपरहिट फिल्में, दुनिया भर में कमाल किया दोनों ने, ना को चने चबा दिया। इन दो फिल्मों के आगे कोई नहीं। फिल्म को डायरेक्ट किया था एसएस राजमौली ने। एसएस राजमौली अपनी आने वाली फिल्म रामा राजा रावणम यानी कि RRR पर काम कर रहे हैं। ये एक अपकमिंग तेलुगु हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है एसएस राजमौली ने। फिल्म में लीड रोल में है NTR रामाराव जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन। साथ ही साथ एक हॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं डेजी एडगर्ड जॉन। बाकी सबके बारे में तो आप जानते होंगे कि जूनियर NTR राव कौन है, अजय देवगन कौन है और आलिया भट्ट कौन है, लेकिन डेजी एडगर्ड जॉन्स ये नाम आप सभी के लिए नया है। ये एक फेमस ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं जो कि नेशनल यूथ थिएटर में काफी एक्टिव हैं। डेजी मुखर और मुख साक्षी शो में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा सीरीज कोल्ड फील्ड के जरिए काफी पहचान मिल चुकी है। कुछ महीने पहले ही डेजी फिल्म पॉन्ड में नजर आई थी। ब्रिटिश एक्ट्रेस डेजी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। डेजी अपने कुछ सेक्सी वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर लगातार छाई रहती हैं। सभी वीडियो में डेजी अपनी सेक्सी एंड हॉट अदाओं से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। वो हर थोड़े दिन में कोई ना कोई बोल्ड वीडियो शेयर करती रहती हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल था कि ये फिल्म किससे इंस्पायर्ड है। तो ये फिल्म बेस्ड है लाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू और कोहराम भीम, जिन्होंने फाइट किया था ब्रिटिश राज और निजाम ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट। फिल्म की कहानी सीताराम राजू और कोहराम भीम इन दो नामों के किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ये दो स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगी की कहानी है। खबरों की माने तो फिल्म की कहानी स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू की जिंदगी की कहानी से प्रेरित होगा। सीताराम एक वनवासी थे। इन्हें किसी बंधन में अथवा पराधीनता यानी कि डिपेंडेंसी में नहीं जकड़ा जा सकता था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशियों के खिलाफ विरुद्ध किया और उनका ये संघर्ष देश के स्वतंत्र होने तक निरंतर चलता रहा। आज हम कह सकते हैं कि जंगलों के टीलों से ही आजादी की योजना का आरंभ हुआ। महान क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष में गुजारा। आंध्र प्रदेश के महान क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू, इनका जन्म 15 मई 1897 को गोदावरी जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई और उनके एक संबंधी ने उन्हें धोखा दिया था, उसकी वजह से 18 वर्ष की उम्र में साधु बन गए। 1920 में उन पर गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु जब एक वर्ष में स्वराज्य गांधी जी का सपना साकार नहीं हुआ तो राजू अपने आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे, स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश में उन्होंने कई बार पुलिस थानों पर आक्रमण किया और वहां से सारे हथियार ले लिया। 22 अगस्त 1922 से 1924 तक राजू के दल ने दसियों पुलिस थानों पर कब्जा करके उनके हथियार लूटे। पुलिस को हर बार उनकी संगठित शक्ति के सामने पराजित होकर भागना पड़ता था। यहाँ तक कि स्थिति आ गई कि सरकार ने थानों में हथियार रखना ही बंद कर दिया। राजू के दलों के सामने कोई नहीं टिक पाता था। लेकिन लगभग 2 वर्ष तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला ये वीर शहीद हो गया। उन्हें एक सेना की बड़ी फौज ने पकड़ लिया था जब वो वहाँ से भाग रहे थे। उन्हें गोली मार दी गई। वही अगर कोहराम भीम की बात करें तो सीताराम राजू से काफी इंस्पायर थे। उनके सम्मान में ये कुछ भी करने की इच्छा रखते थे। इन्होंने हैदराबाद शहर मुक्त करने के लिए असफ जली रजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जीता था। इनका एक नारा भी था, जल जंगल और जमीन। और जहाँ तक देखा जाए तो एसएस राजमौली की फिल्म का भी यही मोटिव होगा, क्योंकि इन तीनों पर आज खतरा मंडरा रहा है, सभी जानते हैं। दोस्तों, एसएस राजमौली की फिल्म हो और छोटी फिल्म हो ही नहीं सकता। इस फिल्म का कैनवस बहुत बड़ा है। हो सकता है कि फिल्म में ब्रिटिश राज दिखाया जाए कि कैसे देश के दो क्रांतिकारी ब्रिटिश से लड़ते हैं। पूरी फिल्म इस पे हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरी फिल्म फिक्शन है। इसमें बहुत कुछ इधर उधर देखने को मिल सकता है। फिक्शन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, चलो याद दिला देता हूँ। दोस्तों, बॉलीवुड में वैसे तो बहुत से सब कैटेगरीज की फिल्में बनती हैं। कोई इन कैटेगरीज को जॉनर के नाम से भी कहता है। देखा जाए तो फिल्में या तो रोमांटिक होती हैं, या तो इरोटिक्स होती, या फिर माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल, एक्शन, डांस, ड्रामा और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सभी जॉनर में या सब कैटेगरीज में कुछ फिल्में नॉन फिक्शन होती हैं और कुछ फिक्शन। नॉन फिक्शन जो सच्ची घटना पर आधारित होती है, जिसमें झूठ
बिल्कुल ही ना हो। फिक्शन जिसमें झूठ भी हो सकता है और सच भी, यानी कि दोनों का मिक्सअप हो सकता है। जैसे कि एक फिल्म आई थी पद्मावत, पहले उसके डायरेक्टर ने इसे नॉन फिक्शन हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म बताया, लेकिन बाद में जब इस पे विवाद हुआ तो मेकर्स को एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर चलाना पड़ा कि ये फिल्म या इस फिल्म की कहानी काल्पनिक है, इस फिल्म का किसी से भी कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाई गई है। पूरी दुनिया की मैक्सिमम फिल्में फिक्शनल होती हैं, यानी कि काल्पनिक होती है। बात करें कि कौन क्या कैरेक्टर प्ले करेगा, तो खबरों की माने तो जूनियर एनटीआर अल्लूरी सीताराम राजू का रोल प्ले करेंगे, वही रामचरण कोहराम भीम का। साथ ही साथ आलिया भी है इस फिल्म में, जो की रामचरण के साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म से एक हॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम जुड़ा है, डेजी एडगर, वो जूनियर एनटीआर के अपोजिट नजर आएंगी। अब अजय के रोल में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जूनियर एनटीआर और रामचरण इससे पहले भी ऐसी पीरियोडिक ड्रामा फिल्में कर चुके हैं। इनको लेने के पीछे ये एक मकसद हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर पहले भी कर चुके हैं और दोनों फिट हैं। दोनों एक्टर्स के पास भरपूर टैलेंट है, जिससे वो सबका दिल जीत सकते हैं और दिल जीत भी चुके हैं। दोनों ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। इन दोनों की मैंने भी बहुत सी फिल्में देखी हैं, जिन्हें देखकर मैं खुद दंग रह जाता हूं, जैसे कि जय लव कुश, उसके बाद अरविंदा समेथा, मगधीरा, विनय विधाया रामा और भी बहुत सी। ये तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी हैं। इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म का पहला लुक भी जारी कर दिया गया है। फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर पहले काफी चर्चा थी। खबर आई थी कि आलिया भट्ट ने साउथ फिल्म मेकर्स एसएस राजमौली की फिल्म में काम करने से मना कर दिया। आलिया से पहले नाम आया था इस रोल के लिए परिणीति चोपड़ा का और उसके बाद आलिया भट्ट का। जब आलिया भट्ट ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया तो खबर आई कि ये फीस की वजह से है। फीस पर सहमति न बनने के कारण बात आगे नहीं बढ़ रही है। खबर थी कि आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए भारी भरकम फीस मांग रही है और एसएस राजमौली उस फीस को चुकाने के लिए सहमत हो गए हैं। जब आलिया ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था तो एसएस राजमौली ने करण जौहर से संपर्क किया कि वो आलिया से कुछ बात करें, लेकिन आलिया भट्ट ने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया और फिल्म को करने से मना कर दिया था। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस वक्त अपने करियर के पीक पर है। साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली आलिया ने बेहद कम वक्त में ये मुकाम हासिल किया। इस वक्त वो बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस हैं और उनके पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। ऐसे में फीस बढ़ाना और एसएस राजमौली को मना करना लाजमी सी बात है, लेकिन अभी फिल्म के लिए उन्होंने हाँ कर दिया, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे। फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का पहला लुक जारी किया और जारी किए गए पोस्टर में बाई ओर रामचरण तेजा, दाई ओर एनटीआर रामाराव, दोनों का चेहरा आधा आधा दिखाया गया है, जिसे देखकर लोगों के मन में कई सवाल हैं कि फिल्म कैसी होने वाली है, क्या ये भी बाहुबली सीरीज की तरह होगी या फिर सिंगल फिल्म होगी, और भी ना जाने क्या क्या सवाल उठ रहे हैं मन में। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये फिल्म क्लैश होने वाली है सूर्यवंशी और शमशेरा से। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी और रणवीर कपूर स्टारर फिल्म शमशेरा की रिलीज डेट जुलाई 2020 है और कहा जा रहा है कि RRR 30 जुलाई 2020 को रिलीज हो सकती है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या करण जौहर अपनी फिल्मों की रिलीज डेट में बदलाव करते हैं या नहीं। बता दें कि इस फिल्म का बजट है 400 करोड़ रुपए। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एसएस राजमौली, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं डीवीवी दानिया। फिल्म प्रेजेंटेड बाय डीवीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में एक और खास खबर आ रही है कि ये फिल्म भी बाहुबली की तरह बहुत अच्छा कलेक्शन करने वाली है। अब कितने का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू। कौन है असली बाहुबली? क्या फिर से बाहुबली बनाना चाहते हैं राजामौली? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं सानिया सैफी, आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजामौली और उनकी फिल्मों के बारे में। 2020 ईद पर राजामौली ने अपनी फिल्म RRR को अनाउंस किया है और इस फिल्म के साथ अजय देवगन और आलिया भट्ट टॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म से पहले आई एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली ने दुनिया भर में रिकॉर्ड्स तोड़े थे और एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था।
इस फिल्म के सेकेंड पार्ट जब रिलीज किया था तो उसने सभी इंडियन सिनेमा के जितने अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड थे सब तोड़ दिए थे और महज 6 दिन के अंदर इस फिल्म ने 1796 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट, एक्टिंग और डायरेक्शन और विजुअल्स और डांसिंग, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम, सेट, हर एक एक चीज की तारीफ की गई थी। तो अब जब राजामौली ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस की है जिसका नाम है ट्रिपल आर, तो उस फिल्म से भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। ट्रिपल आर एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड फिल्म है, हालांकि इसे थोड़ा फिक्शन तरीके से दिखाया जाएगा। ट्रिपल आर की कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, हालांकि इसको थोड़ा फिक्शन तरीके से दिखाया जाएगा। इस फिल्म की कहानी अलूरी सीताराम राजू और कुमार भीम की लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो कि बहुत ही क्रूशल फ्रीडम फाइटर्स थे और उन्होंने अंग्रेजों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब जी जान लगाकर उनसे लड़ा करते थे। अब जो अलूरी सीताराम राजू जो थे वो एक ट्राइबल थे और अपने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे हर तरह से। जब भी उनको लगता था कि मैं इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, उनको लीड कर सकता हूँ, उनको गाइड कर सकता हूँ, वो सब कुछ करते थे जो वो कर सकते थे। और उनके जो लोग थे, ट्राइबल लोग जो थे, वो उनको हीरो ऑफ जंगल के नाम से बुलाया करते थे। बता दें कि राजामौली ने इस किरदार के लिए रामचरण तेजा को कास्ट किया है इस फिल्म ने, जो कि बहुत ही नोन चेहरा है और उनके बहुत ज़्यादा फैंस भी हैं। वहीं अगर हम बात करें बाहुबली के एक्टर प्रभास की, तो उनके भी फैन फॉलोइंग कोई कम नहीं है, और खासकर से फिल्म बाहुबली के बाद तो उनको दुनिया भर में उनके चाहने वाले आ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या RRR में जो कैरेक्टर दिखाया जाएगा उसको बाहुबली से ज्यादा प्यार मिल पाएगा? 300 करोड़ के बजट से बन रही SS राजामौली की फिल्म RRR से उम्मीदें लगाना कुछ गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जब उनकी पहली फिल्म आई थी और उसको इतना बेहतरीन, इससे पिछली जब फिल्म आई थी और उससे इतना बेहतरीन रिस्पांस मिला, तो उसके बाद राजामौली चाहते हैं कि जो उनकी अगली फिल्म हो वो उससे भी ज़्यादा ग्रैंड हो। इसीलिए 300 करोड़ के बजट के बेसिस पर इस फिल्म को बाहुबली के तर्ज पर बनाया जा रहा है। ये भी एक हिस्टोरिकल फिल्म है और बाहुबली भी एक हिस्टोरिकल फिल्म थी, तो इसके सेट्स और कॉस्ट्यूम सब बाहुबली से ही इंस्पायर्ड है, और जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर का है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बाहुबली की सक्सेस के बाद राजामौली को ये लगने लगा है कि अब उनकी फिल्म, मतलब बाहुबली बहुत उनके लिए लकी साबित हुई है, और अगर वो अपनी अगली फिल्म भी इसी तरह थोड़ा हिस्टोरिकल और ग्रैंडियर वगैरह दिखा दें अपनी फिल्म में, तो उनको लोगों का ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा? अगर आपको भी ये लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूँ सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक क्या ट्रिपल आर में आलिया भट्ट को महज एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? हेलो दोस्तों, पॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर जब से अनाउंस हुई है तब से खबरों में है, और आखिर हो भी क्यों ना कि SS राजामौली ने जो अपनी पिछली फिल्म दी थी बाहुबली, उससे दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, पर इसीलिए अब उनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा भी हैं। SS राजामौली अपनी अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर को 400 करोड़ के बजट से बना रहे हैं, यानी कि एक और बार वो इंडियन सिनेमा को एक बहुत ही ग्रैंड फिल्म देने वाले हैं। इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन, यानी कि हॉलीवुड एंड टॉलीवुड दोनों का पूरी तरह से एक प्यारा सा संगम नजर आने वाले हैं, और रियल मायने में ये एक इंडियन सिनेमा की फिल्म होगी। आलिया भट्ट चुके इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाली है, फीमेल लीड करने वाली है। दरअसल खबर आई है कि उनके लिए फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, एक डांस सीक्वेंस होगा और उसके अलावा एक या दो सीन्स हैं जिसमें आलिया भट्ट हमें नजर आएंगी। ऐसे में गौर करने की बात यह है कि आलिया भट्ट उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्म की हैं उनमें ऐसे किरदार चुने हैं जिनकी कोई अहमियत है फिल्म में और जो अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहती है। तो ऐसे में आलिया भट्ट ने एक मामूली सा किरदार क्यों चुना? जब इस बारे में आलिया भट्ट से बात हुई तो उनका कहना है कि SS राजामौली और संजय लीला भंसाली दो ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना उनके लिए सपना था, और अब इस वक्त एक साथ वो दोनों ही डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी उनके लिए कोई और बात है नहीं,
इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका रोल कितना है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। उनको मौका मिल रहा था एस एस राजामौली के साथ काम करने का, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि बेशक चाहे उनका रोल छोटा हो, लेकिन उस छोटे रोल में भी हर बार की तरह आलिया पूरी तरह से छा जाए। तो दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी और दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हुसैनिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक साहो, ट्रिपल आर या KGF 2, आखिर कौन सी फिल्म तोड़ेगी बाहुबली के रिकॉर्ड्स। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हुसैनिया सैफी। दोस्तों, इंडियन सिनेमा के लिए ये वक्त काफी क्रूशियल है, क्योंकि आने वाले वक्त में रिलीज हो रही 3 फिल्में पूरी तरह से इंडियन सिनेमा को एक अलग रुख दे सकती हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह बाहुबली ने दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़कर इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनली एक अच्छा मुकाम दिलाया था, और अब वही उम्मीद इन फिल्मों से भी लगाई जा रही है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम उन 3 फिल्मों साहो, ट्रिपल आर और KGF 2 को डिस्कस करेंगे, और देखेंगे एंड में कि असल में वो कौन सी फिल्म है जिसमें दम है बाहुबली के रिकॉर्ड्स तोड़कर इंडियन सिनेमा को एक कदम और आगे ले जाने का। शुरू करते हैं साहो से। तो साहो प्रभास की फिल्म है, और इस फिल्म में इनके ऑपोजिट नजर आएंगी श्रद्धा कपूर। वहीं नील नितिन मुकेश इस फिल्म में विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुजीत ने, और फिल्म रिलीज हो रही है इस साल 15 अगस्त पर। इस फिल्म से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि बाहुबली में जब प्रभास नजर आए थे तो उन्होंने दर्शकों को कुछ ऐसा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कदर सच्चाई से अपने किरदार के हर एक पहलू को दर्शाया कि लोग उनकी अदाकारी के तारीफ करते नहीं थकते थे, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हें उनके काम के लिए रिकॉग्निशन मिला, और बाहुबली ने सिनेमा की दुनिया में नए रिकॉर्ड्स बनाए। बाहुबली के बाद से ही दुनिया भर में फैले प्रभास के फैंस उन्हें फिर से स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन प्रभास ने अपने स्टारडम का फायदा उठाकर लगातार फिल्में साइन नहीं की, बल्कि अपने आप को वक्त दिया, ब्रेक लिया और स्क्रिप्ट्स पढ़ी। और जब उन्हें ये फिल्म मिली साहू की शक्ल में, तो उन्होंने बाहुबली की तरह इस फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया। प्रभास का काम करने का फॉर्मूला ही यही है, क्वांटिटी डज नॉट मैटर बट क्वालिटी डज, एंड दैट इज व्हाट ही इज फोकसिंग ऑन। 2017 के बाद 2019 में फिर से स्क्रीन पर नजर आने के लिए प्रभास तैयार हैं, और लेकर आ रहे हैं 300 करोड़ के बजट से बन रही अपनी फिल्म साहो, जिसका एक एक्शन सीक्वेंस शूट हुआ है दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर, और इस एक सीक्वेंस को शूट करने के लिए 90 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। अब देखना यह है कि दुनिया के मशहूर एक्शन कोरियोग्राफर केनी बेट्स के नक्शे कदम पर शूट किए गए इस एक्शन सीक्वेंस का लोगों पर क्या असर होता है। इस फिल्म में फ्यूचरिस्टिक टेक्निक्स के साथ साथ एक्शन, लव, ड्रामा, कॉमेडी सभी का फुल ऑन फ्लेवर मिलने वाला है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की एक और खास बात यह है कि इसमें टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों का ही बढ़िया मिक्सचर है, यानी कि असल में ये फिल्म है एक इंडियन सिनेमा की फिल्म। इसके अलावा इस साल 21 दिसंबर वाले दिन तेलुगु ब्लॉकबस्टर पीरियड ड्रामा फिल्म KGF का सीक्वल KGF चैप्टर 2 भी रिलीज हो रहा है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी KGF सुपरहिट फिल्म रही थी। इनफैक्ट इस फिल्म को बाहुबली से बेहतर होने तक का दर्जा मिला है। यश की दमदार एक्टिंग ने तो सबका दिल जीत ही लिया था, लेकिन फिल्म की कहानी इतनी रियल थी कि ऑडियंस खुद को इस फिल्म से काफी हद तक रिलेट कर पाई।
फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस जितनी बेहतरीन थे उतनी ही खूबसूरती से फिल्म के बाकी सीन्स को भी शूट कर दर्शकों तक पहुंचाया गया। फिल्म को ऐसे मोड़ पर लाकर खत्म किया गया था कि दर्शक अब इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को भी पहले पार्ट जितने ही बजट से बनाया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और भी ज्यादा कमाल करने वाली है। दोस्तों 30 जुलाई 2020 को एसएस राजामौली ने बुक कर लिया है अपना हुनर बिखेरने के लिए। एसएस राजामौली और कोई नहीं बल्कि बाहुबली के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने टैलेंट से कोहराम मचा दिया था। और अब अपनी अगली फिल्म आरआरआर को लेकर एसएस राजामौली बिल्कुल तैयार हैं। RRR एक तेलुगु पीरियड ड्रामा फिल्म है जो कि अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी बताती है, जो कि ब्रिटिश राज और निजाम ऑफ हैदराबाद से लड़े थे। उनकी जिंदगी की कहानी को एक्सप्लोर करते करते ये फिल्म उस पीरियड को भी दर्शाएगी व्हेन दे वेंट इनटू सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल। इस फिल्म में काम कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और उनके साथ नजर आएंगे रामचरण। वहीं इस फिल्म में फीमेल लीड प्ले करने के लिए कास्ट किया गया है आलिया भट्ट को, और साथ ही बॉलीवुड के शानदार एक्टर अजय देवगन भी हमें इस फिल्म में नजर आएंगे। दोस्तों एसएस राजामौली की बेहतरीन डायरेक्शन को हम बाहुबली में देख चुके हैं, और बाहुबली के बाद से हर कोई उनकी डायरेक्शन का दीवाना हो चुका, और अब तो उनके साथ काम करना तो शायद हर एक एक्टर का सपना ही हो गया है। राजामौली अपनी इस फिल्म को 400 करोड़ के बजट से बना रहे हैं, जो कि शायद अब तक का सबसे बड़ा बजट है। देखना यह है कि क्या बाहुबली जैसा कमाल वो एक बार फिर से कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों तीनों ही फिल्में आपस में काफी बड़ी हैं, और किसी को भी एक दूसरे से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही अलग अलग जॉनर की हैं और अलग अलग तरह की कहानियां हमारे सामने पेश करेंगी। अभी फिलहाल ये कहना तो मुश्किल होगा कि आखिर कौन से फिल्म है जो सबसे ज्यादा कमाई कर सकती है, लेकिन हाँ हम उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि जल्द ही इंडियन सिनेमा कोहराम मचाने वाला है इंटरनेशनल लेवल पर। आप कौन से फिल्म को चाहते हैं कि वो फिल्म टॉप पर पहुंचे, हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी इस तरह की और मसाला खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हुसानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक क्या नहीं बनेगी बाहुबली 3? क्या संजय लीला भंसाली की जगह आलिया ने साइन की एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर? क्या अब आलिया भट्ट करेंगी अजय देवगन के साथ डांस? क्या नहीं करना चाहती हैं आलिया भट्ट सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम? हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के आशियाने में। आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर को इस दौर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। श्रद्धा इन दिनों बाहुबली स्टार प्रभास के साथ फिल्म साहो में काम कर रही हैं, और अब आलिया भट्ट का भी बाहुबली कनेक्शन जुड़ने जा रहा है। खबर है कि बाहुबली के निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म रामा रावणा राज्यम यानी कि आरआरआर के लिए आलिया भट्ट को साइन कर लिया गया है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बारे में आलिया से कुछ समय से बात चल रही थी और फाइनली आलिया को लॉक कर लिया गया है। यह आलिया के लिए भी साउथ और साथ ही बाहुबली जैसे मेकर के साथ काम करने का बड़ा अवसर है, जबकि साउथ वाले भी उनकी राजी और गली बॉय जैसी फिल्मों में उनके काम से प्रभावित हैं। और आपको बता दें कि जहां कलंक का टीजर लॉन्च किया जा चुका है, तो टीजर को देखकर ये तो साफ होता है कि आलिया भट्ट फिल्म कलंक में फिर से अपनी एक्टिंग से सबको कायल करने आ रही हैं। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि सलमान खान और शाहरुख खान स्टारर संजय लीला भंसाली फिल्म के लिए आलिया भट्ट को अप्रोच किया गया है, तो पहले तो हमारे मन में शंका थी कि आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली की फिल्म के लिए जाएंगी या फिर एसएस राजामौली की फिल्म के लिए,
लेकिन अब जहां ये कंफर्मेशन आ चुका है कि आरआरआर के लिए आलिया भट्ट को साइन कर लिया गया है लॉक कर लिया गया है तो फिर हम तो इस बारे में यही कहेंगे कि आलिया को सलमान और शाहरुख के साथ भी संजय लीला भंसाली की फिल्म करनी चाहिए। दोनों फिल्में भी तो की जा सकती हैं। फिर क्या हर्ज है संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में सलमान और शाहरुख के साथ काम करने में। आशा करते हैं कि आलिया संजय लीला भंसाली की फिल्म को भी साइन कर ही दें। राजामौली के निर्देशन में 300 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म आरआरआर को राजमौली, रामचरण और रामा राव जूनियर के हिसाब से भी देखा जा रहा है। इस फिल्म को डीवीवी दनैया प्रोड्यूस करेंगे। ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा होगी और कहानी 1920 के दौरान की होगी। इसी फिल्म में अजय देवगन का भी एक स्पेशल डांस नंबर होगा। तो जहां आलिया भट्ट को इस फिल्म के लिए लॉक कर लिया गया है तो हो सकता है कि आलिया भट्ट अजय देवगन के साथ इस स्पेशल सॉन्ग में डांस करती नजर आए। और स्पेशली इस अजय देवगन के स्पेशल सॉन्ग के लिए हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सेट लगाकर शूट किया जाएगा। फिल्म का हाल ही में हैदराबाद में मुहूर्त हुआ है और इस मौके पर बाहुबली, प्रभास और राणा दग्गुबती के अलावा साउथ के कई फिल्मी दिग्गज मौजूद थे। साउथ इंडियन फिल्मों के लेजेंड चिरंजीवी ने मुहूर्त क्लैप दिया। हाल ही में SS राजामौली ने ये स्पष्ट कर दिया था कि बाहुबली का तीसरा भाग नहीं बनेगा। कहानी दो भागों के बाद खत्म हो गई है और अब आगे की कोई गुंजाइश नहीं है। बता दें कि बाहुबली ने भारतीय सिनेमा में कमाई के मामले में कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इतिहास रचा है। फिल्म ने दो भागों को मिलाकर करीब 2375 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिसमें से दूसरे भाग की कमाई 1725 करोड़ रुपए रही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टार का टीजर और मोशन पोस्टर की खास बातें क्या है? इस मोशन पोस्टर का बाहुबली से क्या कनेक्शन है? SS राजामौली किसके डर से RRR की रिलीज डेट चेंज कर रहे हैं? क्या इस फिल्म की कहानी चे ग्वेरा की मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। धमाकेदार निर्देशक SS राजामौली, जिन्होंने बाहुबली जैसी धमाकेदार फिल्में बनाई, उनकी नई फिल्म आ रही है RRR, जिसका मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जो काफी ज्यादा दमदार लग रहा है। इस फिल्म में क्या होने वाला है और ये कितनी बेहतरीन होगी, इसका अंदाजा इसी मोशन पोस्टर से लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इस पोस्टर को साझा करते हुए तीनों आर का मतलब भी समझाया गया है। जी हाँ, राइज, रिवॉल्ट, रॉर। अब इससे इतना तो तय है कि उदय, विद्रोह और दहाड़ का ये नजारा वाकई शानदार होने वाला है। जब आपने ये मोशन पोस्टर देखा होगा तो क्या आपने गौर किया कि जो इसमें म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं हमें बाहुबली की याद दिला देता है, उस दौर की याद दिला देता है जब लोग बाहुबली के लिए पागल हुआ करते थे। लगता है अब RRR के जरिए फिर से SS राजामौली लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने को एकदम तैयार खड़े हैं। साथ ही साथ एक और चीज है जो गौर करने वाली है। इस मोशन पोस्टर में दिखाया जाता है कि एक तरफ आग है तो एक तरफ पानी, और उन दोनों को मिलाने का काम करेंगे फिल्म में अजय देवगन। जी हाँ, तो ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा कि अजय देवगन, रामचरण और जूनियर NTR की तिगड़ी इस बार क्या धमाल करने वाली है। दोस्तों, फिल्म बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR कई कारणों से चर्चाओं में बनी हुई है। इस पीरियड एक्शन फिल्म में जहां अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे सितारे काम कर रहे हैं, तो दूसरी ही ओर फिल्म में रामचरण और NT रामा राव जैसे बड़े सितारे भी नजर आएंगे, जिनकी वजह से ये फिल्म काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई है। तो दूसरा रीजन है इसकी रिलीज डेट। जी हाँ, पहले ये फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज होनी थी, लेकिन रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा के साथ क्लैश के चलते फिल्म की रिलीज डेट को खिसका दिया गया, जिसके बाद कुछ अफवाहें ऐसी भी सुनाई दी कि ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। हालांकि इस दिन जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2, फरहान अख्तर की तूफान और विकी कौशल की उधम सिंह रिलीज होने वाली है।
यही कारण है कि ट्रिपल आर के 2 अक्टूबर को रिलीज होने की खबर भी कोरी अफवाह साबित हुई। वहीं फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये फिल्म 8 जनवरी 2021 को रिलीज होने जा रही है। साथ ही पोस्ट में लिखा है कि आपके प्यार और सपोर्ट के चलते हम आपको एक बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव देना चाहते हैं। हम इस फिल्म को विश्व स्तर पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही कारण है कि हमें इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा है। हम जानते हैं कि ये काफी लंबा समय है, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे। वहीं दोस्तों, ट्रिपल आर का बजट भी काफी हैरतअंगेज बताया गया है। माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 350 से 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इस फिल्म की कहानी चे ग्वेरा की मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर बताई गई है। गौरतलब है कि ये फिल्म नवंबर 2018 में फ्लोर्स पर गई थी। ये फिल्म भारत की आजादी से पहले के दौर की है, जिसमें 2 रियल लाइफ हीरोज की काल्पनिक कहानी को दिखाया गया। माना जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के लिए 2 साल रिसर्च की थी। तो ये पहली बार नहीं है कि एसएस राजामौली कोई ऐतिहासिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बेहतरीन फिल्में वो हमें दे चुके हैं, और इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी और पूरे विश्व भर में शानदार कलेक्शन किया। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रिपल आर भी बाहुबली और बाहुबली 2 की तरह विश्व भर में नाम कमा पाएगी? आपको ये मोशन पोस्टर कैसा लगा और आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाहुबली वाले राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर में कैसे टकराएंगे आग और पानी? ट्रिपल आर के मोशन पोस्टर से कैसे पता चल गया कि अजय देवगन का रोल क्या है? ट्रिपल आर कैसे बनने जा रही है बाहुबली से भी बड़ी फिल्म? ट्रिपल आर के मोशन पोस्टर से हॉलीवुड क्यों हिल गया है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली वाले फिल्म मेकर एसएस राजामौली ने 24 मार्च की सुबह एक ट्वीट किया, लिखा, कोरोना की वजह से दुनिया भर में लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में वो अपनी पब्लिक को थोड़ा चेयरअप करना चाहते हैं। राजामौली ने बताया कि वो 25 मार्च को अपनी अगली फिल्म ट्रिपल आर का टाइटल और मोशन पोस्टर लॉन्च करेंगे। हालांकि ये वीडियो कब लॉन्च किया जाएगा वो इस बारे में श्योर नहीं थे, क्योंकि उनकी टीम भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है। 25 मार्च की दोपहर फाइनली फिल्म का मोशन पोस्टर लॉन्च किया गया। पहली बार बताया गया कि इस ट्रिपल आर का मतलब क्या है। ओरिजिनल यानी तेलुगु में फिल्म का टाइटल होगा रौद्रम रणम रुद्रम। वहीं इंग्लिश में इस ट्रिपल आर का फुल फॉर्म है राइज रोवर रिवोल्ट। ट्रिपल आर की कहानी होगी आंध्र प्रदेश के 2 क्रांतिकारियों की, जिन्होंने अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष किया था। स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। फिल्म में ये दोनों किरदार निभा रहे हैं तेलुगु सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर। इन लोगों के साथ फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन को भी लिया गया है। ये छोटे मगर मजबूत किरदारों में दिखाई देंगे। खबरों के मुताबिक इस फिल्म में अजय देवगन भगत सिंह का रोल करेंगे और वो ये फिल्म बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म का बजट 350 से 400 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। वहीं फिल्म में आलिया भट्ट के किरदार का नाम सीता बताया जा रहा है। पिछले दिनों आई कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि आलिया भट्ट ने ट्रिपल आर छोड़ दी, वजह शूटिंग में कोरोना की वजह से होने वाली देरी। हालांकि फिल्म की टीम ने इस बात को कन्फर्म किया, ऐसा कुछ नहीं, आलिया फिल्म का हिस्सा है और वो अपने हिस्से की शूटिंग कोरोना के निपटते ही निपटाएंगी। ट्रिपल आर की शूटिंग 19 नवंबर 2018 को हैदराबाद में शुरू हुई। तैयारी ये थी कि शूटिंग का काम मार्च 2020 तक खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर शुरुआती प्लानिंग के हिसाब से बात करें तो ट्रिपल आर जुलाई 2020 में रिलीज के लिए शेड्यूल थी, लेकिन फिल्म के मोशन पोस्टर में नई रिलीज डेट 8 जनवरी 2021 बताई जा रही। रौद्रम रणम
रुद्रम को तेलुगु, तमिल, कनाडा, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का टाइटल लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। मोशन पोस्टर को देख करके लोगों का मानना है कि यह फिल्म बाहुबली से भी बड़ी हिट फिल्म होगी, क्योंकि मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा रहा है। कोरोना के चक्कर में ट्रिपल आर ने ऐसा तहलका मचाया है कि पूरा सोशल मीडिया ट्रिपल आर का हो गया है। हो क्यों ना, क्योंकि ट्रिपल आर के डायरेक्टर एसएस राजा मौली का जो दिमाग है वो चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलता है। इसीलिए तो एसएस राजा मौली ने जब बाहुबली बनाई थी तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बाहुबली बॉक्स ऑफिस पर इतने करोड़ का बिजनेस करेगी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 2000 से 3000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि फिल्म के स्टार कास्ट बहुत ही अच्छी है। क्योंकि इसी फिल्म में बॉलीवुड और टॉलीवुड का संगम हो रहा है, और एक ऐसा संगम जिसके कारण हॉलीवुड डर गया है। आखिर फिल्म ट्रिपल आर के आर का मतलब क्या है? ट्रिपल आर की कहानी किस फिल्म से इंस्पायर है और कौन से हैं वो बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत टॉलीवुड से की? नमस्कार, मैं हूँ प्रतिष्ठा और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। साउथ डायरेक्टर एसएस राजा मौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर को लेकर बहुत पहले से बज बना हुआ है। चर्चा थी कि इस फिल्म के जरिए आलिया भट्ट और अजय देवगन साउथ फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं। अब फिल्म के नाम को लेकर ट्रिपल आर एक बार फिर से सुर्खियों में है। आलिया और अजय के एक साथ डेब्यू मूवी ट्रिपल आर का नाम रघुपति राघव राजा राम है। इस फिल्म का ये नाम कुछ समय पहले तय कर लिया गया था, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया। ट्रिपल आर एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें भारत के स्वतंत्रता सैनिकों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी दिखाई गई है। इन्होंने भारत को आजादी दिलाने में ब्रिटिश राज के खिलाफ मोर्चा खोला था। फिल्म में एंटी रामा राव जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन हैं। फिल्म के पहले शेड्यूल का एक्शन सीक्वेंस हैदराबाद के एल्यूमिनियम फैक्ट्री में शूट किया गया था, और सबसे खास बात ये है कि फिल्म में हॉलीवुड स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में हॉलीवुड एक्टर्स रे स्टीवेंसन, ओलिविया मॉरिस, एलिसन डूडी भी मेजर रोल निभाएंगे। पहले इस फिल्म को 30 जुलाई 2020 को रिलीज होना था, लेकिन रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा के साथ क्लैश की वजह से फिल्म की रिलीज डेट खिसक गई थी। ये फिल्म अब अगले साल 8 जनवरी 2021 में रिलीज होगी। ट्रिपल आर का बजट बहुत ज्यादा बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 350 से 400 करोड़ खर्च होंगे। इस फिल्म की कहानी चे गवेरा की मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि और कौन कौन से हैं वो बॉलीवुड मेल और फीमेल एक्टर्स जिन्होंने अपनी डेब्यू टॉलीवुड से की। तो सबसे पहले नंबर पर है ऐश्वर्या राय। इनकी पहली फिल्म इरुवर तमिल में बनी, जिसे मनी रत्नम ने डायरेक्ट किया था। 2000 में राजीव मेनन द्वारा बनी एक फिल्म कंडू कोडिन काफी मशहूर हुई, और ऐश्वर्या की हिंदी में उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया थी। लेकिन ऐश्वर्या संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से चर्चा में आई। आज ऐश्वर्या भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक हैं और भारत की सबसे धनी महिलाओं में शामिल हैं। फिर हैं विद्या बालन। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म चक्रम से की, जिसमें फिल्म के अभिनेता सुपरस्टार मोहनलाल थे, लेकिन वो फिल्म बंद कर दी गई। उसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म रन की, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह मीरा जासमिन को लिया गया। इसके बाद इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्म की और बॉलीवुड फिल्म से इन्होंने अपनी करियर बनाई। फिर आती है प्रियंका चोपड़ा। 2002 में तमिल फिल्म
थमी जहन से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद इन्होंने अंदाज, एतराज, दोस्ताना और मैरी कॉम जैसी कई फिल्में की और इस तरह से लगातार बॉलीवुड में ही उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती रही और वो बॉलीवुड में छा गईं। इसके बाद हैं एक्टर माधवन, हिंदी फिल्मों के जाने माने चेहरे हैं और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत अलाई पाउथे से की। माधवन को 4 फिल्म फेयर अवार्ड और तमिलनाडु के स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। वैसे माधवन उनमें से एक गिने चुने एक्टर हैं जो 7 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में दिखाई देने वाली भारतीय अपील को प्राप्त करने में बहुत ही कामयाब रहे। इसके बाद आते हैं कमल हासन, जो कि एक इंडियन फिल्मों के एक्टर हैं। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कालाथुर कन्नम्मा से की। ये एक स्टोरी राइटर और फिल्म निर्माता के साथ साथ भारतीय सिनेमा के प्रमुख किरदार को जीने वाले अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। कमल हासन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई भारतीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता के तौर पर जाने जाते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसी जानकारी के लिए ट्रिपल आर ने बाहुबली को कैसे दिया पछाड़, ट्रिपल आर को एसएस राजामौली ब्रह्मांड की तरह क्यों बना रहे हैं, 700 साल पुरानी दिल्ली की चोर मीनार किस लिए जानी जाती है, इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। राजामौली की मल्टी स्टारर मूवी ट्रिपल आर को लेकर बवाल मच रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस फिल्म का ऐलान जब से हुआ है, तब से इससे जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो दर्शकों की बेचैनी को और बढ़ा देती है। राजामौली खुद कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संघर्ष दिखाया है, जबकि वो दास्तां के खिलाफ थे। इस फिल्म के जरिए वो इन क्रांतिकारियों के संघर्ष को अलग तरह से पेश करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे कैनवास को एक नए ब्रश के साथ पूरी तरह से चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि मैं जो ब्रह्मांड बनाऊं उसमें वीरता, ऊर्जा और धैर्य हो। 1920 के दशक में वास्तविक जीवन के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लू सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन को पर्दे पर लाने के लिए राजामौली फिल्म के लिए काफी रिसर्च भी कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी चे ग्वेरा की मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर है। वहीं इस मूवी की जब अनाउंसमेंट हुई तो दर्शकों के दिल में एक और सवाल भी था कि ट्रिपल आर की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम है रघुपति राघव राजाराम, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। वो ये कि इस फिल्म के नाम को इसमें काम करने वाले स्टार्स के नाम पर रखा गया है। जहां एसएस राजामौली ने बाहुबली 1 180 करोड़ में बनाई और दूसरा भाग 250 करोड़ में, तो ट्रिपल आर को 400 करोड़ जितने बड़े बजट में बनाने की आखिर वजह क्या है। वजह साफ है, बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने के बाद दर्शकों की उम्मीदें स्पेशली एसएस राजामौली से काफी ज्यादा हो गई हैं, तो ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। ऊपर से फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो बजट ज्यादा होना तो लाजमी है। वहीं क्योंकि ये फिल्म 1920 के दशक की है तो उस समय के सेट को आज में प्रेजेंट करके दिखाना बेहद मुश्किल है। ये भी एक बड़ी वजह है इस फिल्म को इतने बड़े बजट में बनाने की। अब अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो बाहुबली को ट्रिपल आर पछाड़ सकती है। ऑलरेडी बजट के मामले में तो पछाड़ चुकी ही है, और रही बात फिल्म रिलीज होने की, तो फिल्म में साउथ के 2 सुपरस्टार काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे अजय देवगन भी फिल्म का हिस्सा है, तो आलिया भट्ट भी है जो खुद इंडस्ट्री में अपना नाम एस्टेब्लिश कर चुकी है। तो उम्मीदें तो काफी ज्यादा हैं सभी को, लेकिन क्या इन उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतर पाएगी, ये सवाल भी कहीं ना कहीं सबके मन में जरूर होगा। खैर,
अब बात करते हैं चोर मीनार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसको बनाया गया था, करीब 1296 से 1316 के बीच। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोषी का सिर काटकर मीनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था और इस मीनार में करीब 200 से ज्यादा सुराखे हैं। इसका साफ मकसद था कि लोगों के बीच चोरी को लेकर डर पैदा हो, क्योंकि प्राचीन काल में लुटेरे बहुत हुआ करते थे, आज भी होते हैं पर रूप अलग हैं। SS राजा मौली की फिल्म RRR को आलिया भट्ट ने क्यों छोड़ा? किस वजह से टूट गया आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का रिश्ता? आलिया भट्ट की और कौन कौन फिल्म आने वाली है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR काफी दिनों से चर्चा में है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट साउथ फिल्मों में डेब्यू करने वाली थी। अब खबर आ रही है कि आलिया भट्ट ने डेट्स की समस्या के चलते राजामौली की फिल्म छोड़ दी। वैसे माना जा रहा था कि गली बॉय एक्ट्रेस इस महीने की शुरुआत में RRR के लिए हैदराबाद, गुजरात और पुणे में शूटिंग करने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन कर दी गई। अब सूत्रों का कहना है कि राजामौली लगातार आलिया भट्ट के मैनेजर के संपर्क में है और वे मई में उनकी डेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आलिया सड़क 2, ब्रह्मास्त्र और संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी जैसे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही हैं। एक्ट्रेस को लगा कि वे डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने राजामौली की फिल्म से हटने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ दिन पहले RRR के प्रोड्यूसर DBV धानिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आलिया भट्ट मई के महीने से RRR की शूटिंग शुरू करने वाली है। फिल्म की 75% शूटिंग हो चुकी है, बाकी शूटिंग आलिया के साथ होनी है। आलिया जैसे इस फिल्म के साथ जुड़ जाएंगी वैसे ही राजामौली इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। RRR एक पीरियड ड्रामा है जिसमें भारत के स्वतंत्रता सैनिकों अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और इसी फिल्म में बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन भी कैमियो रोल करते हुए दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 400 से 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक है। दोनों की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो रणवीर और आलिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि दोनों का ब्रेकअप, और ब्रेकअप की वजह बताई जा रही है रणवीर का व्यवहार। आलिया के लिए रणवीर का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है, इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और कुछ लोगों का मानना है कि रणवीर और आलिया अब भी साथ हैं। अभी हाल ही में आलिया भट्ट 27 साल की हुई हैं और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन बहन शाहीन भट्ट और अपनी गर्ल गैंग के साथ मनाया, लेकिन उसके बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई जिसमें रणबीर कपूर उन्हें किस करते हुए नजर आ रहे थे। उस फोटो में रणबीर और आलिया के अलावा अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा भी थे। फोटो को नताशा पूनावाला ने अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया था, लेकिन अब खबरें यह हैं कि रणबीर तो आलिया के बर्थडे पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। ऐसे में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो फोटो आलिया के बर्थडे पार्टी के दौरान की थी या फिर किसी और दिन की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा या वहीं पर कमेंट के नीचे आपको बता दिया जाएगा। SS राजामौली की फिल्म RRR को आलिया भट्ट ने क्यों छोड़ा? किस वजह से टूट गया आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का रिश्ता? आलिया भट्ट की और कौन कौन फिल्म आने वाली है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR काफी दिनों से चर्चा में है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट साउथ फिल्मों में डेब्यू करने वाली थी। अब खबर आ रही है कि आलिया भट्ट ने डेट्स की समस्या के चलते राजामौली की फिल्म छोड़ दी। वैसे माना जा रहा था कि गली बॉय एक्ट्रेस इस महीने की शुरुआत में RRR के लिए हैदराबाद, गुजरात और पुणे में शूटिंग करने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन कर दी गई। अब सूत्रों का कहना है कि राजामौली लगातार आलिया भट्ट के मैनेजर के संपर्क में है
और वे मई में उनकी डेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आलिया सड़क 2, ब्रह्मास्त्र और संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी जैसे कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही हैं। एक्ट्रेस को लगा कि वे डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने राजामौली की फिल्म से हटने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ दिन पहले ट्रिपल आर के प्रोड्यूसर DBV धानिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आलिया भट्ट मई के महीने से ट्रिपल आर की शूटिंग शुरू करने वाली है। फिल्म की 75% शूटिंग हो चुकी है, बाकी शूटिंग आलिया के साथ होनी है। आलिया जैसे इस फिल्म के साथ जुड़ जाएंगी वैसे ही राजामौली इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। ट्रिपल आर एक पीरियड ड्रामा है जिसमें भारत के स्वतंत्रता सैनिकों अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और इसी फिल्म में बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन भी कैमियो रोल करते हुए दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि इस फिल्म के निर्माण में 400 से 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक है। दोनों की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो रणवीर और आलिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि दोनों का ब्रेकअप, और ब्रेकअप की वजह बताई जा रही है रणवीर का व्यवहार। आलिया के लिए रणवीर का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है, इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और कुछ लोगों का मानना है कि रणवीर और आलिया अब भी साथ हैं। अभी हाल ही में आलिया भट्ट 27 साल की हुई है और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन बहन शाहीन भट्ट और अपनी गर्ल गैंग के साथ मनाया, लेकिन उसके बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई जिसमें रणबीर कपूर उन्हें किस करते हुए नजर आ रहे थे। उस फोटो में रणबीर और आलिया के अलावा अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा भी थे। फोटो को नताशा पूनावाला ने अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया था, लेकिन अब खबरें यह हैं कि रणबीर तो आलिया की बर्थडे पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। ऐसे में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो फोटो आलिया के बर्थडे पार्टी के दौरान की थी या फिर किसी और दिन की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा या वहीं पर कमेंट के नीचे आपको बता दिया जाएगा। ट्रिपल आर ने बाहुबली को कैसे दिया पछाड़? ट्रिपल आर को SS राजामौली ब्रह्मांड की तरह क्यों बना रहे हैं? 700 साल पुरानी दिल्ली की चोर मीनार किस लिए जानी जाती है? इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। SS राजामौली की मल्टी स्टारर मूवी ट्रिपल आर को लेकर बवाल मच रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस फिल्म का ऐलान जब से हुआ है, तब से इससे जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो दर्शकों की बेचैनी को और बढ़ा देती है। राजामौली खुद कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संघर्ष दिखाया है, जबकि वो दास्तान के खिलाफ थे। इस फिल्म के जरिए वो इन क्रांतिकारियों के संघर्ष को अलग तरह से पेश करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे कैनवास को एक नए ब्रश के साथ पूरी तरह से चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि मैं जो ब्रह्मांड बनाऊं उसमें वीरता, ऊर्जा और धैर्य हो। 1920 के दशक में वास्तविक जीवन के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लू सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन को पर्दे पर लाने के लिए राजामौली फिल्म के लिए काफी रिसर्च भी कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी चे ग्वेरा की मोटरसाइकिल डायरी से इंस्पायर है। वहीं इस मूवी की जब अनाउंसमेंट हुई तो दर्शकों के दिल में एक और सवाल भी था कि ट्रिपल आर की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम है रघुपति राघव राजाराम, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। वो ये कि इस फिल्म के नाम को इसमें काम करने वाले स्टार्स के नाम पर रखा गया है। जहां SS राजामौली ने बाहुबली 1 180 करोड़ में बनाई और दूसरा भाग 250 करोड़ में, तो ट्रिपल आर को 400 करोड़ जितने बड़े बजट में बनाने की आखिर वजह क्या है? वजह साफ है। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने के बाद
दर्शकों की उम्मीदें स्पेशली एसएस राजामौली से काफी ज्यादा हो गई हैं, तो ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। ऊपर से फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो बजट ज्यादा होना तो लाजमी है। वहीं क्योंकि ये फिल्म 1920 के दशक की है तो उस समय के सेट को आज में प्रेजेंट करके दिखाना बेहद मुश्किल है। ये भी एक बड़ी वजह है इस फिल्म को इतने बड़े बजट में बनाने की। अब अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो बाहुबली को ट्रिपल आर पछाड़ सकती है। ऑलरेडी बजट के मामले में तो पछाड़ चुकी ही है। और रही बात फिल्म रिलीज होने की, तो फिल्म में साउथ के दो सुपरस्टार काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे अजय देवगन भी फिल्म का हिस्सा है, तो आलिया भट्ट भी है जो खुद इंडस्ट्री में अपना नाम एस्टेब्लिश कर चुकी है। तो उम्मीदें तो काफी ज्यादा हैं सभी को, लेकिन क्या इन उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतर पाएगी, ये सवाल भी कहीं ना कहीं सबके मन में जरूर होगा। खैर, अब बात करते हैं चोर मीनार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसको बनाया गया था, करीब 1296 से 1316 के बीच। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोषी का सिर काटकर मीनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था, और इस मीनार में करीब 200 से ज्यादा सुराखे हैं। इसका साफ मकसद था कि लोगों के बीच चोरी को लेकर डर पैदा हो, क्योंकि प्राचीन काल में लुटेरे बहुत हुआ करते थे। आज भी होते हैं, पर रूप अलग हैं। खैर, हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको भी लगता है ट्रिपल आर बाहुबली को पछाड़ देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप किसी एक्टर की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी भी बॉलीवुड की नई या पुरानी फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बॉलीवुड से रिलेटेड जाननी है, नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल। ट्रिपल आर में काम करने के लिए अजय देवगन ने कितनी फीस ली है, ट्रिपल आर फिल्म का बजट कितना रखा गया है, और क्या ये फिल्म बाहुबली से भी बड़ी होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, तानाजी से सुर्खियां बटोरने के बाद अजय देवगन अपनी अगली फिल्म ट्रिपल आर का ऐलान कर चुके हैं, और ये भी एक बड़े बजट में बनी पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो ये कि फिल्म को बाहुबली फेम एसएस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं। कहानी की अगर बात करें तो ये फिल्म होगी आंध्र प्रदेश के दो क्रांतिकारियों की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष किया था, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। फिल्म में ये दोनों किरदार निभा रहे हैं तेलुगु सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर। इन लोगों के साथ ही फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन को भी लिया गया है। इनके किरदार छोटे मगर मजबूत दिखाई देंगे। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक और खबर सामने आई है, वो ये कि ट्रिपल आर के लिए अजय देवगन ने कितनी फीस ली है। दोस्तों, फीस की बात इसलिए छिड़ी है क्योंकि ये पिक्चर बहुत बड़े बजट में बन रही है। इसकी लागत 350 करोड़ से 400 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है। ऑब्वियसली उसमें तीनों सुपरस्टार्स की फीस भी शामिल होगी। तो ये सब जानने के बाद इंटरेस्ट की सुई कहां जाकर रुकती है, यही कि अजय देवगन ने इस फिल्म के लिए कितने पैसे लिए हैं, राइट? लेकिन अजय देवगन ये फिल्म फ्री में कर रहे हैं। आप हो गए ना शॉक? लेकिन यही सच है। कोई तो वजह होगी कि इतना बड़ा स्टार फ्री में फिल्म कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, और वजह है एसएस राजामौली और अजय देवगन की दोस्ती। जबकि ट्रिपल आर के प्रोड्यूसर डीवीवी दनैया अजय देवगन को पूरी फीस देने के लिए तैयार थे, और जहां अजय देवगन सिर्फ कैमियो के लिए फिल्म में 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, अजय ने दनैया का ये ऑफर ठुकरा दिया। दरअसल उन्होंने डायरेक्टर राजामौली से अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए इस फिल्म के लिए एक भी पैसा लेने से मना कर दिया है। लेकिन इतनी गहरी दोस्ती हुई कैसे? दोस्तों, इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी साल 2012 से,
अजय देवगन ने राजा मौली की फिल्म ईगा, जिसे हिंदी में मक्खी के नाम से जाना जाता है, उसमें एक छोटा सा वॉइस ओवर दिया था। तब से ही अजय देवगन और राजा मौली की दोस्ती की शुरुआत हुई। वेल, जब फीस की बात छिड़ ही गई है तो अक्षय कुमार का भी जिक्र कर लेते हैं। जी हाँ, अक्षय कुमार आनंद एल रॉय की धनुष और सारा अली खान स्टारर फिल्म अतरंगी रे में काम करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने 120 करोड़ रुपए की फीस ली है। ये आंकड़ा सुनकर तो वाकई काफी बड़ा लग रहा है। खैर, अब बात करते हैं ट्रिपल आर में अजय देवगन के किरदार की। तो वो फिल्म में सरदार भगत सिंह के रोल में दिखाई देंगे। यही वो किरदार होगा जो सीताराम राजू और कोमाराम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करेगा। इस फिल्म की कहानी तो रियल लोगों से प्रेरित है, लेकिन कहने के तरीके में थोड़ी मिलावट नजर आएगी। साथ ही साथ उन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी को बिल्कुल रियल न रखते हुए थोड़ा फिक्शनल रखा जाएगा। तो दूसरे और अजय देवगन की फिल्म तानाजी, जो 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी, अब तक सिनेमा घरों में धूम मचाए हुए है। फिल्म की कमाई 250 करोड़ रुपए के भी पार जा चुकी है और फिलहाल अजय देवगन अपनी अगली फिल्म मैदान की शूटिंग में बिजी हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अजय देवगन की कौन सी आने वाली फिल्म को लेकर हैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाहुबली के डायरेक्टर राजा मौली की ट्रिपल आर कैसे बन गई है 2000 करोड़ी फिल्म? ये फिल्म पहले दिन ही बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड कैसे तोड़ देगी? हॉलीवुड ट्रिपल आर से क्यों डर रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली के डायरेक्टर SS राजा मौली जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो बड़ा धमाका करते हैं। SS राजा मौली बाहुबली 1 और 2 के जरिए फिल्मी दुनिया में भूचाल लाने वाले ऐसे शख्स हैं जिनकी फिल्में कमाई के लिए जानी जाती हैं। अब SS राजा मौली की अगली फिल्म ट्रिपल आर रिलीज से पहले ही कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। ट्रिपल आर में अजय देवगन, जूनियर NTR और रामचरण लीड रोल में नजर आएंगे। अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले कोमल नहाटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि रिलीज से पहले ही ट्रिपल आर ने 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। SS राजा मौली की ट्रिपल आर ने प्री रिलीज बिजनेस का बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 215 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 50 करोड़ रुपए में इसके अधिकार बेचे गए, जबकि इसके ओवरसीज राइट्स को 70 करोड़ रुपए में बेचा गया है। इस तरह साउथ इंडिया और ओवरसीज से ही ट्रिपल आर रिलीज से पहले ही 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि ट्रिपल आर 2000 करोड़ का बिजनेस कैसे करेगी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजय देवगन बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्में आराम से 100, 200, 300 करोड़ का बिजनेस कर लेती हैं। तो अजय देवगन को भी मिला दिया जाए तो ट्रिपल आर का कुल कलेक्शन करीब 900 करोड़ रुपए हो जाता है। अब बाहुबली सीरीज का भी फायदा SS राजा मौली को मिलेगा। अगर उस फायदे को भी मिला दिया जाए तो ट्रिपल आर का कुल कलेक्शन करीब 1500 करोड़ रुपए हो जाएगा। जूनियर NTR की फिल्में भी आसानी से 300 से 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती हैं। रामचरण की फिल्म ने भी 200 करोड़ रुपए तक का बिजनेस किया। इन सारे तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का बिजनेस बहुत ही आसानी से कर लेगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए ये फिल्म अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म बन गई है। रिलीज से पहले ही ट्रिपल आर ने कैसे बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बाहुबली के डायरेक्टर SS राजा मौली जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो बड़ा धमाका ही होता है। SS राजा मौली बाहुबली के जरिए फिल्मी दुनिया में भूचाल ला चुके हैं और कमाई के नए कीर्तिमान बना चुके हैं। अब SS राजा मौली की अगली फिल्म ट्रिपल आर रिलीज से पहले ही कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है।
आपको बता दें ट्रिपल आर में अजय देवगन जूनियर एनटीआर और रामचरण लीड रोल में हैं। लेकिन फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नहाजा ने ट्रिपल आर के बिजनेस को लेकर एक ट्वीट किया है और उसके मुताबिक फिल्म रिलीज से पहले ही 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। कोमल नहाजा ने ट्रिपल आर को लेकर ट्वीट किया है, एसएस राजामौली की ट्रिपल आर ने प्री रिलीज बिजनेस का बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 215 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 50 करोड़ रुपए के इसके राइट्स बिके हैं, जबकि इसके ओवरसीज राइट्स 70 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। इस तरह साउथ इंडिया और ओवरसीज से हो रही ट्रिपल आर रिलीज से पहले ही 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। इस तरह उम्मीद की जा सकती है कि राजामौली ट्रिपल आर के साथ भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि फिल्म के लिए अजय देवगन कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं और अजय देवगन की साउथ में ये पहली फिल्म होने वाली है। बाहुबली के डायरेक्टर राजामौली की ट्रिपल आर अगले साल 8 जनवरी को रिलीज होगी। हाल ही में खबर आई थी कि रे स्टीवेंसन, ओलिविया मॉरिस और एलिसन डूडी जैसे मशहूर कलाकार ट्रिपल आर के साथ जुड़ गए हैं। फिल्म का 70% से भी अधिक हिस्सा शूट किया जा चुका है और फैंस को बाहुबली के निर्देशक राजामौली की ट्रिपल आर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो दोस्तों आप ही हमें बताइए कि आपको ट्रिपल आर का कितना इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन में। एसएस राजामौली ट्रिपल आर क्या मगाधीरा की तर्ज पर बनाएंगे या फिर बाहुबली का अनुसरण करेंगे? कैसे ये फिल्म कमाने जा रही है 1000 करोड़? क्या ये भारत की सबसे महंगी फिल्म है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। निर्देशक एसएस राजामौली की अगली फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। फिल्म के सेट पर सुपरस्टार अजय देवगन, रामचरण, जूनियर एनटीआर के साथ राजामौली की तस्वीरें बाहर आई हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हो भी क्यों ना, एक साथ इन चारों को देखना बड़ी बात है। जहां अजय देवगन बॉलीवुड के स्टार हैं, वहीं रामचरण और जूनियर एनटीआर तेलुगु सिनेमा के जाने माने नाम हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो है राजामौली, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बाहुबली जैसी फिल्म दी है। बाहुबली फिल्म निर्देशक राजामौली की ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है। फिल्म का बजट काफी ज्यादा रखा गया है। रामचरण, एनटी रामा राव जूनियर, अजय देवगन के अलावा फिल्म में आलिया भट्ट भी मुख्य किरदार में दिखेंगी। कोई शक नहीं है कि बाहुबली धमाका के बाद दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में अजय देवगन लंबा कैमियो निभाने वाले हैं, जो कि काफी अहम होगा। वहीं आलिया भट्ट बतौर लीड एक्ट्रेस दिखेंगी। ये फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो अब इस डेट को बदल दिया गया है। हालांकि अभी अक्टूबर की फाइनल डेट नहीं आई है। फिल्म 1920 के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी काल्पनिक है, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी थी। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी बड़ी होने वाली है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये फिल्म भारत की सबसे महंगी फिल्म होगी। फिल्म की टीम ने पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब फिल्म की टीम अपने दूसरे शेड्यूल पर काम कर रही है। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम समेत कुल 10 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज की जाएगी। ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है। फिल्म को ओवरसीज में काफी बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि राजामौली की पिछली फिल्म बाहुबली ने ओवरसीज में 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। इससे राजामौली ने बाहुबली सीरीज, इगा मगा धीरा जैसी बिग बजट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लिहाजा ट्रिपल आर से भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका की उम्मीद जताई जा रही है। राजामौली का मानना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने सिर्फ उनके जीवन का संघर्ष दिखाया, जबकि उन्होंने दास्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस फिल्म के जरिए वो उन क्रांतिकारियों के संघर्ष को अलग तरह से पेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी? क्यों बदल गई ट्रिपल आर की रिलीज डेट? फिल्म में किस प्रकार का होगा एक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं काजल स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में।
बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली की बहु प्रतीक्षित आलिया भट्ट और अजय देवगन के साथ एनटीआर और रामचरण अभिनीत फिल्म है। सूत्रों के अनुसार फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है और जुलाई 2020 में रिलीज नहीं होगी। फिल्म ट्रिपल आर की टीम के करीबी सूत्रों के अनुसार यह अक्टूबर में रिलीज होने की संभावना है। इस फिल्म को लेकर समीक्षक तरुण अरदास और कोमल नहात ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। हाल ही में रे स्टीवेंसन, ओलिया मार्शेस और एलिसन डूरी जैसे मशहूर कलाकार ट्रिपल आर के साथ जुड़ गए हैं। फिल्म 2020 की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक है और इसमें फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सितारों की टुकड़ी भी देखने को मिलेगी। फिल्म का 70% भाग शूट हो चुका है और प्रशंसकों को बाहुबली के निर्देश एस राजामौली की ट्रिपल आर की रिलीज का सब बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण DVV दनिया ने किया है। फिल्म में साउथ के दो सबसे बड़े सुपरहिट NTR जूनियर और रामचरण के अलावा हिंदी सिनेमा के भरोसेमंद सितारे अजय देवगन भी हैं। फिल्म में दोनों के लीड हीरो की एंट्री सीन शूट कर दिया गया है और उसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा चुका है। बॉलीवुड के किस एक्टर ने तानाजी को वाहियात कहने की हिम्मत की है? ये एक्टर क्यों अजय देवगन से पंगे लेता रहता है? क्या अब इसे मिल गया है इसका मुंहतोड़ जवाब? और तानाजी ने रच दिया है कौन सा इतिहास? और अब अजय ने किस फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 167 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर ली है। वैसे तो तानाजी की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि तानाजी ने पहले दिन 15 करोड़ की कमाई थी और 16वें दिन अपने पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा की कमाई कर ली। वैसे फिल्म ने एक और हिस्ट्री बनाई है। अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर को दो गुना प्यार मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और अब तीनों सेनाओं के प्रमुख ने साथ मिलकर ये फिल्म भी देख ली। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फिल्म को तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ देख रहे हो। वेल, अजय देवगन भी इस बात से बेहद खुश है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और अजय ने ठान ली है कि अब वो रुकेंगे नहीं और अपनी अगली फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, अजय देवगन का अगला प्रोजेक्ट है RRR, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली। RRR मूवी के मेकर्स ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, हम लोग अजय देवगन के साथ हमारे शेड्यूल की शुरुआत के लिए बहुत खुश हैं। फिल्म RRR में कई बड़ी हस्तियां भी दिखेंगी। फिल्म में JR, NTR, रामचरण, आलिया भट्ट और विदेशी एक्ट्रेस डेजी जोनस भी लीड रोल में होंगी। फिल्म बड़े बजट की बताई जा रही है। फिल्म का बजट 400 करोड़ होने वाला है। ये फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होगी। वेल दोस्तों, जहां अजय की तानाजी ने दिखा दिया है कि इसमें कितना दम है, वहीं बॉलीवुड के एक एक्टर ने इस फिल्म को वाहियात बता दिया था। ये एक्टर अब फिल्म क्रिटिक है और इनका नाम KRK है, यानी कमाल आर खान, जिन्हें आप सभी जानते हैं। लेकिन अब तानाजी की ताबड़तोड़ कमाई से खुद KRK शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। KRK ने माफी मांगते हुए ट्वीट किया है कि तानाजी रिलीज के दूसरे सोमवार को भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसका मतलब कि ये कि फिल्म 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा आसानी से छू लेगी। मैं अपने रिव्यू के लिए माफी मांगता हूँ अगर पब्लिक को फिल्म पसंद आती है, क्योंकि जनता की आवाज नकारे खुदा। आपको बता दें, KRK ने तानाजी को वाहियात फिल्म बताया था और कहा था कि पानीपत भी इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी है। उन्होंने इस फिल्म को 1 स्टार दिया था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। KRK ने फिल्म शिवाय के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। उस वक्त करण जौहर की ऐ दिल है मुश्किल और शिवाय में क्लैश होना था और खबर तो ये भी थी कि अजय ने करण जौहर पर आरोप लगाया था कि करण ने KRK को पैसे दिए थे शिवाय का घटिया रिव्यू देने के लिए। इसके बाद दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई। हाल ही में एक रियलिटी शो में भी अजय ने करण पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। वेल, इस बार भी KRK ने तानाजी का गंदा रिव्यू कर शक पैदा कर दिया कि आखिर KRK को अजय देवगन से दुश्मनी क्या है। वेल, फिलहाल तो KRK को उनका जवाब मिल गया है। और क्या जवाब मिला है?
मतलब कुछ दिन तक केआरके की बोलती ही बंद हो जाएगी। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको ट्रिपल आर का कितना इंतजार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ट्रिपल आर फिल्म के गाने बाहुबली की तरह क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या ट्रिपल आर बाहुबली से भी बड़ी फिल्म होगी? ट्रिपल आर का बजट कितना रखा गया है और फिल्म का नाम ट्रिपल आर ही क्यों रखा गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रिपल आर में तेलुगु फिल्मों के दो सुपरस्टार रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर काम कर रहे हैं। साथ में प्रकाश राज, मुरली शर्मा, मुकेश ऋषि, श्रीनिवास राव और फिल्म में चिरंजीवी का भी गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें कि फिल्म का नाम ट्रिपल आर ही क्यों रखा गया है, तो आपको बता दें कि एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा, इन तीनों के ही नाम में आर वर्ड का यूज होता है और देखा जाए तो इन तीनों के नाम पर ही ये फिल्म बिकेगी भी। तो इन तीनों के नामों को मिलाकर इस फिल्म का वर्किंग टाइटल ट्रिपल आर रख दिया गया है। वहीं इस फिल्म का बजट भी करीब 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म भव्य स्तर पर बनने वाली है। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इस फिल्म की कहानी को राजामौली के पापा केबी विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है और ये कहानी रीबर्थ पर बेस्ड होने वाली है। रीबर्थ से याद आया, 1995 में इस तरह की एक फिल्म आ चुकी है, शाहरुख खान और सलमान खान स्टारर करण अर्जुन, और गौर करने वाली बात है कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। तो ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा कि इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है। वहीं अगर फिल्म के गानों की बात की जाए तो इस फिल्म के गाने भव्यता से परिपूर्ण होने वाले हैं। इनफैक्ट जिस प्रकार से बाहुबली में जियो रे जियो बाहुबली टाइटल ट्रैक रखा गया था, उसी प्रकार से ट्रिपल आर में भी एक टाइटल ट्रैक रखा जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, कुछ इसी प्रकार का गीत भी एसएस राजामौली अपनी इस फिल्म में चाहते हैं। बाहुबली में म्यूजिक दिया था राजामौली की कजिन एमएम किरावडी ने, और ये बताने की तो जरूरत है नहीं, बाहुबली के म्यूजिक को दुनिया भर में बेशुमार प्यार मिला था, खूब पसंद किया गया था, और शायद यही कारण है कि एसएस राजामौली ट्रिपल आर फिल्म के लिए भी किरावडी को साइन करने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट ये तक मानना है कि ट्रिपल आर बाहुबली की तरह भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म हो सकती है। वेल, अब ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि क्या ट्रिपल आर बाहुबली को टक्कर दे पाएगी, चाहे वो गानों के मामले में हो या फिर फिल्म की कहानी के मामले में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल। एसएस राजामौली की ट्रिपल आर केवल 40% क्यों बन पाई है और इस फिल्म का क्लाइमैक्स कितने मिनट का होगा? अजय देवगन के जुड़ने से इस फिल्म को कितने करोड़ का फायदा होगा? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग भव्य स्तर पर चल रही है, लेकिन जुलाई में रिलीज होने वाली फिल्म अब पोस्टपोन कर दी गई है और अब ये फिल्म अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। पहले फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज हो रही थी। फिल्म की नई रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं की गई है। फिल्म की कहानी 1920 के दशक के दो स्वतंत्रता सेनानियों अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर आधारित है। इन दोनों वीर पुरुषों ने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि फिल्म इन दोनों लड़ाकों की दोस्ती के बारे में कही जा रही है। हाल ही में खबरें थी कि फिल्म की कास्ट में किच्चा सुदीप भी जुड़ चुके हैं। माना जा रहा था कि किच्चा सुदीप फिल्म में एक पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन किच्चा ने साफ करते हुए कहा कि वो फैंस की खुशी समझ सकते हैं, पर उन्हें ऐसे किसी रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। फिल्म के बारे में बात करते हुए एसएस राजामौली बता चुके हैं कि ये बहुत बड़ी फिल्म है और पूरी तरह से काल्पनिक है। ये दो सच के हीरो की कहानी है। मैं छोटे स्तर में फिल्में बना